हेलो एवरीवन, मेरा नाम ग्वाडियर है और आज के इस एसएमसी के लेक्चर नंबर 7 में हम लर्न करने वाले हैं कि एसएमसी और आईसीटी के अंदर टोटल कितने ब्लॉक्स होते हैं और इन ब्लॉक्स को हम किस तरीके से बेनिफिट में ला सकते हैं और साथ ही साथ हम इसके अंदर किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर कोई न्यू पर्सन डायरेक्ट इस लेक्चर में आया हुआ है तो मैं उसे सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वो पहले 1 to 6 लेक्चर देख ले, उसके बाद ही आप इस 7 लेक्चर में आओ तो आप उसे बेहतर तरीके से समझ पाओगे। अगर आप डायरेक्टली 7 लेक्चर में आते हो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सर के ऊपर से जाएगी, तो मैं अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पहले वो 1 to 6 लेक्चर देख ले। साथ ही साथ जो लोग 1 to 6 लेक्चर ऑलरेडी देख चुके हैं और उसे मास्टर कर चुके हैं उन्हें भी मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरे अंदर एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैं एक इमेज जो है लाइक वो पजल में बिखरी हुई है, तो मैं सारे जो पजल में बिखरे हुए पीसेस हैं उसको स्टेप बाय स्टेप मैं ला रहा हूँ और उसको सही जगह पे लगाने के बाद एक एक्चुअल इमेज एंड में क्रिएट हो रही है। अगर आपने नोटिस किया होगा मेरे लर्निंग के वे में तो आपने देखा होगा कि पहले फ्रैक्टल, उसके बाद स्ट्रक्चर मैपिंग, उसके बाद लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, POI एंड लास्ट में आपको एंट्री मॉड्यूल देखने को मिला। मैं ऐसा नहीं है कि पहला लेक्चर में ही आपको एंड में एंट्री मॉड्यूल बता दी, नहीं, मैंने एक इमेज पूरी की पूरी क्रिएट की, एक पूरे कंसेप्ट को मैंने इकट्ठा किया और उस कंसेप्ट को फिर एंड में मैंने आपको बताया कि देखो ये एंटायर कंसेप्ट जो है इस तरीके से दिखता है, राइट। तो नाउ आज से जो 7 लेक्चर स्टार्ट हो रहा है ये एक एडवांस एसएमसी है जिसे आईसीटी भी बोला जाता है, राइट। नाउ इसके अंदर मैं पहले आपको ब्लॉक्स वगैरह लर्न करवाऊंगा, राइट, उसके बाद जूडा स्विंग वगैरह जो है वो सारी चीजें मैं आपको लर्न करवाऊंगा, डॉल वगैरह लर्न करवाऊंगा, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस लर्न करवाऊंगा, MD वगैरह लर्न करवाऊंगा, पावर ऑफ थ्री वगैरह लर्न करवाऊंगा, लेथार्जिक प्राइस एक्शन वगैरह लर्न करवाऊंगा, बहुत सारे आईसीटी के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं सारे स्टेप बाय स्टेप आपको लर्न करवाने वाला हूँ। बट आप ये सोचो कि मैं ये 7 लेक्चर देख लूंगा और उसके बाद मैं पूरा आईसीटी सीख जाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप मैं चार्ट पे जाऊंगा तो प्रॉफिट बनाने वाला हूं, तो उसका कोई मतलब नहीं है, राइट। आपको टाइम देना पड़ेगा, मैं ये टाइम में आपको ब्लॉक सारे सिखा सकता हूं, राइट, क्योंकि ब्लॉक लर्न करवाने में मुझे कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे, राइट। और अभी जब मैं लेक्चर बना रहा हूं तो मेरा मानना है कि कम से कम ये जो लेक्चर है 1.5 से 2 घंटे का बनेगा, राइट। तो आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं 1.5 से 2 घंटे में पूरे आईसीटी को लर्न करवा दूं, राइट। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लर्न करवाऊंगा, एक आपका जो पुराना माइंडसेट है उसको चेंज करूंगा और एक नया माइंडसेट आपके माइंड में डालूंगा, राइट, जिससे आपका जो चार्ट देखने का नजरिया है वो चेंज होगा और उसके बाद एक आप जो बढ़िया ट्रेडर है या जो एक लॉजिक के साथ चार्ट को देखता है वो आप बन पाओगे, राइट। तो इसके अंदर एक प्रोसेस है जो लंबी चलेगी, तो आप इस स्टेप बाय स्टेप को अगर लर्न करने के लिए रेडी हो तो मैं आपको फुल सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ, बाकी आप कोई और चैनल ढूंढ सकते हो, राइट। तो आज के इस लेक्चर में हम लर्न करेंगे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक एंड रिक्लेम ब्लॉक, राइट, और इसके हम किस तरीके से एंट्री प्लान में ला सकते हैं उसको भी हम आज के इस लेक्चर में लर्न करने वाले हैं। नाउ हम एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को स्टार्ट करते हैं, राइट। ये जो हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ये होता क्या है और इसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं और इसको यूज करने के लिए क्या क्या टूल की हमें नीड है वो भी हम समझेंगे, राइट। अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको समझाया होगा कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, राइट। नाउ ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, पहला जो ऑर्डर ब्लॉक था वो FVG के साथ था, जो बहुत से लोग जानते हैं कि FVG होता है तब एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है, राइट, लास्ट बाइंग कैंडल या लास्ट सेलिंग कैंडल विथ FVG, उसे ऑर्डर ब्लॉक बोला जाता है। बट ये जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है ये बिना FVG का ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, जस्ट एक कैंडल है जिसके ऊपर ना नीचे ऑर्डर FVG है, ये पूरी की पूरी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होगी। नाउ इसको मैं थोड़ा डेप्थ में लर्न कराऊंगा, राइट। तो अभी हम निफ्टी के चार्ट पर है, राइट, और निफ्टी के चार्ट पे मैं आपको पहले चार्ट पे ले जाता हूँ जिससे आप बेहतर तरीके से समझ पाओ। देखो इसके लिए हमें कुछ टूल्स की नीड है, वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, राइट। जब आप फिब रिट्रेसमेंट पे जाओगे तो इस पे जब आप क्लिक करोगे, ये मेरा इस तरीके से फिब का सेटिंग है, राइट, इसको लाइक प्रीमियम डिस्काउंट इक्विलिब्रियम बोला जाता है। मैं इसमें डेप्थ में बाद में जाऊंगा, आज इसके ऊपर लेक्चर नहीं है, आज ब्लॉक के ऊपर लेक्चर है तो मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं लर्न करूंगा, राइट। बट कुछ जगह इसकी नीड है तो मैं कुछ सेटिंग्स आपको बता देता हूँ और कुछ एक समरी दे देता हूँ जिससे आप इसको सही तरीके से समझ पाओ। नाउ जब आप इसके सेटिंग पे जाओगे, इसके जो फिबोनाची का जो सेटिंग था उसके अंदर जस्ट आपको सारे जो मार्क हैं, आपका डिफॉल्ट जो सेटिंग होगा वो कुछ अलग होगा, आपको सारे मार्क को अनटिक कर देना है, राइट। जस्ट आपको 3 चीज़ें लेनी है, पहले यहाँ पे टाइप करना है 0, राइट, 0 टाइप करके आपको ये जो मार्क है ये कर देना है, राइट, फिर 0.5 एंड 1, बस हमें ये 3 चीज़ों की नीड है, 0, 0.5 एंड 1, राइट, इतनी ही हमें नीड है फिबोनाची के सेटिंग में।
और इस सेटिंग को हम ओके कर देंगे तो आपका कुछ जो फिबोनाची टूल है वो इस तरीके से दिखेगा। अब इसके अंदर जो कलर वगैरह है, राइट, या ट्रेड लाइन वगैरह रिमूव करना है, बैकग्राउंड वगैरह ये जो है वो आप अपने हिसाब से कर लेना। मैंने पूरा बैकग्राउंड उतार रखा है तो अभी फिलहाल हमें इतनी नीड है, राइट। अब नाउ इसका पीछे का रीजन क्या है या इसे क्या बोला जाता है, इसकी मैं एक समरी आपको बता देता हूँ। देखो 1 और 0.5, राइट, मैं इसको इस तरीके से ले लूंगा तो ऊपर से नीचे का अगर मार्क कर रहा हूँ तो 1 नीचे आ जाएगा, राइट। बट मैं सिंपल वे में बताऊं तो 0.5 के ऊपर का पार्ट, ये 0.5 है, राइट, इसके ऊपर का जो पार्ट है अगर मैं इसे मार्क करूँ, 0.5 से लेकर मैं यहाँ तक का मार्क करूँ, यहाँ पे अगर 1 भी होगा या 0 भी होगा वो आप डिपेंड करता है किस तरीके से यूज करते हो, नीचे से ऊपर मार्क कर रहे हो या ऊपर से नीचे मार्क कर रहे हो, राइट। तो 0.5 के ऊपर का जो जोन है उसे बोला जाता है प्रीमियम जोन, राइट, प्रीमियम जोन। और 0.5 के बिलो का जो जोन है इसे बोला जाता है डिस्काउंट जोन, राइट। नाउ इसके पीछे का लॉजिक क्या है आप समझो, जब भी हम नीचे से बाय करना चाहते हैं, राइट, तो उसे बोला जाता है कि हम डिस्काउंट से बाय करेंगे और टारगेट कहाँ रखेंगे, प्रीमियम तक, राइट। ये इसके पीछे का जो लॉजिक है, राइट, या इसको किस तरीके से यूज करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये जो पार्ट है, राइट, ये वाला जो पार्ट है ये आपका डिस्काउंट जोन है, आप इसके 50% के बिलो भी ले सकते हो, राइट, बट आप पूरा लोगे तो भी चलेगा, राइट। अब आपने मान लो इसको इस तरीके से मार्क किया, अगर आपको बताऊं ये हमारा चार्ट है, राइट, और मैंने इसको यहां से यहां तक मार्क किया, राइट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 0.5 के बिलो वाला जो पार्ट है वो डिस्काउंट है और 0.5 के अबव वाला पार्ट जो है वो प्रीमियम है। नाउ समझो, प्रीमियम में हमेशा ऊपर से सेलिंग होती है और डिस्काउंट में क्या होता है, बाय, राइट। इसके पीछे का रूल क्या है कि डिस्काउंट से बाय करना है, प्रीमियम से सेल करना है। नाउ ये वर्क बढ़िया करता है मैं मानता हूं, बट फेल क्यों होते हैं पता है, फेल इसलिए होते हैं क्योंकि हम बायस जो है हमारे जो चार्ट है, लाइक उसका जो ट्रेंड है वो, अगर बायस को मैं आने वाले लेक्चर में आपको लर्न करूंगा, बट एक शॉर्ट में बता रहा हूँ कि आपका जो टारगेट है प्राइस किस डायरेक्शन में जाना चाहता है, कहाँ तक जाना चाहता है, राइट, वो किस डायरेक्शन का है उसे समझो। लाइक अभी इसके जो बायस है वो डाउन साइड के हैं, राइट, तो ये डाउन साइड के लिए जा रहा है, तो इसके अंदर आप नीचे से बाय नहीं कर सकते, लाइक डिस्काउंट से बाय नहीं कर सकते, इसके अंदर आपको प्रीमियम से हमेशा सेल करना होगा, राइट। तो अगर आपने अगर नोटिस किया हो, यहां से यहां तक गिरावट आई फिर पुल बैक आया, राइट, तो ये गिरावट तक आपने मार्क किया। नाउ इसके अंदर आपके प्रीमियम के अंदर सेलिंग के लिए कौन कौन सा जोन है, जब आप यहाँ पे देखोगे ये एफजी, राइट, एंड ये ऑर्डर ब्लॉक, ये इनसाइड बार है बट पूरा का पूरा ये लेते हो तो वो भी आप ले सकते हो, राइट, और ये ऑर्डर ब्लॉक भी लेना चाहो तो वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। इसके पीछे मैं रीजन बताऊंगा कि प्राइस यहीं से क्यों गिरा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, बट फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से प्रीमियम जोन है जहां से हम सेल कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए ये कैफेजी है जहां से प्राइस डाउन साइड की ओर गिर रहा है, राइट। तो ये इसके पीछे का लॉजिक है कि आप प्रीमियम से सेल कर सकते हो और डिस्काउंट से बाय कर सकते हो। नाउ अगर आप यहां पर देखोगे, हमने इसको इसको कुछ इस तरीके से मार्क किया, राइट, देखो यहां से एक बाइंग आई है, राइट, और फिर उसके बाद प्राइस नीचे गया तो 0.5, अब इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम, राइट। प्राइस ने इक्विलिब्रियम को टैप किया एंड प्राइस अपसाइड में बाउंस हो गया, ठीक है। इसको भी मैं डेप्थ में लर्न करूंगा बट मैं जस्ट आपको चीजें समझा रहा हूँ फिबोनाची की, क्योंकि ये इसके ऊपर लेक्चर नहीं है, राइट, ये इसके ऊपर लेक्चर नहीं है, ये ब्लॉक्स के ऊपर है, बट ब्लॉक्स में काफी जगहों पर इसकी नीड पड़ेगी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पहला हमारा ये जो जोन है वो है प्रीमियम, इक्विलिब्रियम लाइन, ये जो मिड की लाइन है वो इक्विलिब्रियम, और इसके नीचे का जो जोन है वो डिस्काउंट, राइट। आई होप आप मेरी चीजों को समझ रहे हो कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर हम बाइंग जोन देखें, ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्राइस का ये पूरा लेग है जिसे हमने मार्क किया। नाउ ये ट्रेंड अप है तो डिस्काउंट में हमें बाय करना है, तो डिस्काउंट के अंदर कौन सा जोन है जहां से हम बाय कर सकते हैं, ये रहा एफजी वाला, राइट, और हम यहां से इसको बाय कर सकते हैं, डिस्काउंट से बाय किया प्रीमियम तक टारगेट, ये इसके पीछे का रूल है, राइट। अगर ट्रेंड अप है तो डिस्काउंट से बाय करना है, ट्रेंड डाउन है तो प्रीमियम से सेल करना है। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो, राइट, कि इसका इस तरीके से यूज होता है। नाउ एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पे हम शिफ्ट होते हैं। अब ऑर्डर ब्लॉक का समरी क्या है उसको समझो। देखो ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसी कैंडल होती है
जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्डर लगे होते हैं, और किसके ऑर्डर लगे होते हैं, बिग प्लेयर्स के, जो मार्केट को चलाते हैं, मार्केट को बनाते हैं, राइट, मार्केट मेकर जो लोग हैं, ठीक है, मार्केट के अंदर मैनिपुलेट जो लोग करते हैं, एक बड़ा अमाउंट लगाते हैं, उनके ऑर्डर्स जो हैं एक ऐसे कैंडल में लगे हुए रहते हैं जिसे ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक बोला जाता है, राइट, एक पर्टिकुलर एक कैंडल होती है जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक लगे हुए, बहुत सारे ऑर्डर्स लगे हुए रहते हैं। नाउ चीज़ों को समझो, जब हम ट्रेड लेते हैं तो हमारे ट्रेड की साइज ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, 2 लॉट, 5 लॉट, 10 लॉट, 20 लॉट, 25 लॉट, राइट, अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो 100 लॉट, है ना, 100 लॉट हम बाय कर सकते हैं। बट जिसके पास मान लो 10,000 करोड़ है, 15,000 करोड़ है, 20,000 करोड़ है, वो कैसे अपने ऑर्डर को फील करेगा? देखो, मार्केट दो चीज़ों पे चलता है। अगर बायर को बाय करना है तो सामने सेलर होना चाहिए, राइट, और अगर सेलर को सेल करना है तो सामने इसके माल को खरीदने के लिए बायर होने चाहिए। अगर इनमें बैलेंस नहीं बना तो चीज़ें जो है बिकना और जो है खरीदना कम हो जाएगी, बैलेंस नहीं बनेगा, चीज़ें बिगड़ने लगेंगी, राइट। अगर अब मेन चीज़ क्या आती है पता है, जब आप 2 लॉट का ऑर्डर लगाते हो यहाँ से, तो अभी मान लो अमन करके एक बंदा है जिसने 2 लॉट का ऑर्डर बाय के लिए डाला, तो सेल वाला रेडी है, राइट, ठीक है, उसको बेचने के लिए रेडी है, ये खरीदना चाहता है, ये बेचने के लिए रेडी है, 2 लॉट कोई भी बाय सेल कर सकता है, राइट। हर एक रिटेल प्लेयर, हर एक नॉर्मल मिडिल क्लास का बंदा 1-2 लॉट तो बाय सेल कर सकता है, तो हमारे जो ऑर्डर है वो क्विकली फिल हो जाते हैं, राइट, तुरंत फिल हो जाते हैं। बट क्या हो, एक बंदा 10,000 करोड़ की बाइंग करना चाहता है, अब हर बंदे ऐसे थोड़ी हैं जो 10-10 हज़ार करोड़ लेके चल रहे हैं, सही बात है ना, हर बंदे ऐसे नहीं है कि जो 10-10 हज़ार करोड़, हमारे सिटी में भी नहीं होंगे, सीधी सी बात है, हमारे सिटी में कुछ आप मान लो कुछ बड़ी सिटी में आप रह रहे हो तो अलग बात है, बट जो हम ज़्यादातर सिटियों में भी नहीं होंगे, वो गिने चुने लोगों में आते हैं, राइट, तो उनके ऑर्डर कैसे फिल होते हैं वो आप समझो। देखो, उनके ऑर्डर जो हैं, लाइक अगर उन्हें बाय करना है, राइट, अगर उन्हें बाय करना है तो वो क्या करेंगे पता है, सेल वाले कैंडल में, मीन्स अगर उन्हें यहाँ से बाय करना है तो सेल वाली कैंडल जो है उसमें ऑर्डर्स लगेंगे उनके, और जिन्हें अगर उन्हें सेल करना है तो जो बाइंग पुलबैक है उसमें इनके ऑर्डर फील होंगे। अगर मैं आपको इजी वे में समझाऊं तो ये जो चार्ट है डाउन ट्रेंड का है, राइट, ये जो 3 कैंडल है, राइट, ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये जो कैंडल है, राइट, या फिर जहां से सेलिंग हुई है वही मैं बता देता हूँ यहां से, राइट, तो अगर आप यहां पे देखोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ 5 कैंडल बाइंग की हुई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटेल प्लेयर बाय कर रहे हैं, कौन बाय कर रहा है, रिटेलर, 5 कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बनी, लोगों ने बाइंग स्टार्ट कर दी, हम रिटेल प्लेयर ऐसे ही हैं, ऐसे ही ट्रेड करते हैं, राइट, कैंडल को देखते हैं, हमारे माइंडसेट को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो जैसे ही बाय करेंगे, अब इसके अंदर क्या हो रहा है पता है, इसके अंदर सेल की पोजीशन लगी हुई है, किन लोगों की सेल की पोजीशन, बिग प्लेयर्स की। जब रिटेलर बड़े एक जनसंख्या में बाइंग की ओर जाएंगे तभी बिग प्लेयर्स की बड़ी क्वांटिटी के जो ऑर्डर हैं वो फिल हो पाएंगे। अगर मान लो बिग प्लेयर्स भी बड़ी क्वांटिटी के साथ बाय में जा रहे हैं और रिटेलर भी बाय में जा रहे हैं तो बैलेंस नहीं बन रहा है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, बैलेंस नहीं बन रहा है, राइट। तो ये जो आपके सामने है 4-5 कैंडल जो है इसके अंदर रिटेलर बाय कर रहे हैं, राइट, तो ये लोग बाय कर रहे हैं और इनको जो प्रोडक्ट है वो सेल कौन कर रहा है, बिग प्लेयर, समझ रहे हो, बिग प्लेयर जो है सेल कर रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इनके ऑर्डर्स फिल हो रहे हैं, राइट, ये इसके पीछे का एक लॉजिक है, इसके पीछे का एक कॉन्टेक्स्ट है जिसे आपको समझना है, एक सेंस है, राइट। आप डायरेक्टली चार्ट में गए, सपोर्ट ड्रॉ करोगे, रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे या बेफालतू की चीजें इंडिकेटर लगा दिए और आपको लॉजिक नहीं पता मार्केट कैसे वर्क करता है, देन कुछ भी काम का नहीं है, राइट। नाउ ऑर्डर ब्लॉक ये कैंडल्स हुई इसके लिए, डाउन ट्रेंड के लिए, अगर आपको डाउन ट्रेंड में ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने हैं तो आपको बाइंग कैंडल्स मार्क करनी होगी। ध्यान से समझो, जैसे लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से चल रहा है, मगर आपको बताऊं, लोअर लो आईडीएम, राइट, प्राइस इधर गया डाउन, लोअर लो
डाउन, लोअर लो डाउन। अब आपको ऊपर से बार बार सेल करना है, राइट, यहां से सेल करना है, यहां से सेल करना है, या फिर आपको यहां से सेल करना है, राइट। तो इसके लिए आपको इसके अंदर बाइंग कैंडल ढूंढनी है, आप सेलिंग नहीं ढूंढ सकते। सेल करना है तो सेल के लिए सेलिंग कैंडल नहीं चलेगी, सेल के लिए बाइंग कैंडल। और अगर आपको बाय करना है, राइट, आपको यहां से बाय करना है तो इस जगह पे आपको सेलिंग कैंडल ढूंढनी है। बाय करना है तो सेलिंग कैंडल, एंड सेल करना है तो बाइंग कैंडल ढूंढनी है जहां पर आप सेल कर सको। नाउ अब इसको फाइंड कैसे करते हैं और इसके अंदर क्या क्या रूल अप्लाई होते हैं उसको आप समझो। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखोगे तो हाई की जो लिक्विडिटी है सारी कलेक्ट हो चुकी है, राइट। अभी हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जब आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो ये लिक्विडिटी यहाँ पे कलेक्ट हो चुकी है ऑलरेडी, राइट। नाउ अब आपको समझना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ये जो कैंडल्स हैं, ये जो पूरा का पूरा एक पोजिशन है, ये पूरा जो लैग है, इसके अंदर रिटेलर बाय कर रहे हैं और बिग प्लेयर्स के जो ऑर्डर्स हैं वो फील हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? बिग प्लेयर्स के जो ऑर्डर हैं वो फील हो रहे हैं। नाउ प्राइस डाउन आ गया, राइट। अब डाउन आने के बाद प्राइस ऊपर जा रहा है, एंड इधर इसने क्या किया, आईडीएम, राइट। अब इस पार्ट को हम इस तरीके से लें, देन हमें प्रीमियम से क्या करना है, प्रीमियम से हमें क्या करना है, प्रीमियम से हमें सेल करना है, राइट। नाउ अब अगर आप यहां पे नोटिस करोगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल्स हैं। देखो नाउ कंफ्यूजन कहां आता है बताएं, हम कुछ लोग यहां तक मार्क करते हैं ये ग्रीन कैंडल तक, कुछ लोग यहां तक करते हैं। एक्चुअली आपको यहां तक करना है, क्यों? सेलिंग के अंदर आपको लास्ट बाइंग के जो कैंडल्स हैं वो आपको मार्क करनी है, तो लो से लेके हाई तक बाइंग। देखो अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे, मैं जूम करूं इधर, तो इसके अंदर भी इससे हाई तक बाइंग आई है, फिर सेलिंग आई है, तो आपको ये और ये पूरा बाइंग जोन मार्क करना। हाँ, अगर इसके बीच में एक भी सेलिंग कैंडल आ जाती तो आप कट होकर जस्ट वो बाइंग कैंडल से लेते। लाइक अगर मैं आपको बताऊं, कुछ एग्जांपल दूं, तो देखो ये ग्रीन कैंडल है बट मिड में रेड कैंडल आ गई, राइट, मैंने ब्लैक करके रखी, राइट, तो ये ब्लैक कैंडल आ गई, सेलिंग कैंडल, अगेन ग्रीन कैंडल है, सेलिंग कैंडल आ गई। अब नाउ मैं इसको इस तरीके से पूरा नहीं ले सकता, हाँ अगर इनसाइड बार है तो मैं ले सकता हूँ, बट नाउ मैं इसको पूरी इस तरीके से नहीं ले सकता, तो मुझे क्या करना होगा, मैं यहां से यहां तक मारूंगा, मुझे जस्ट ग्रीन ग्रीन कैंडल ही लेनी है, राइट। आपको समझना है चीजों को, ग्रीन ग्रीन कैंडल ही आपको लेनी है, सेलिंग करना है तो लास्ट बाइंग कैंडल्स आपको लेनी है। और इस कैंडल्स के जो नंबर्स हैं, लाइक ऐसा नहीं है कि दो कैंडल या तीन कैंडल, नहीं, इसके अंदर आपको पांच कैंडल्स भी देखने को मिल सकती है, इसके अंदर आपको जस्ट एक कैंडल भी देखने को मिल सकती है, राइट। तो वो आप पर है कि आप कितनी कैंडल आपको चार्ट में दिख रही है, राइट, और आप इसको एग्जैक्ट किस तरीके से मार्क कर पाते हो। अगर आप ऐसे को मार्क करोगे देन आप ट्रैप होने वाले हो, आपको सही ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं मिलेंगे, राइट। तो नाउ अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये सारे ग्रीन है, क्लियर पिक्चर है, राइट, मैंने ये पूरा मार्क किया हाई तक, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे देखोगे, ओके, जब आप यहाँ पे देखोगे, मैंने अगर इसे इस तरीके से मार्क किया है, तो प्राइस जो है आईडीएम होने के बाद, ये मैं इसे हटा देता हूँ, राइट, जो प्रीमियम से हमें सेल करना, राइट, ये आईडीएम वाला पार्ट है, मैं अगर इसे नाम दूं, आईडीएम दे दिया, राइट। अब आईडीएम के ऊपर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक वाला पार्ट है, राइट, जो मैंने लिया हुआ है, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक का 0.5 जिसे बोला जाता है मेन थ्रेशोल्ड, एमटी, राइट, मेन थ्रेशोल्ड आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। और किस ब्लॉक्स में मेन थ्रेशोल्ड नहीं लेना है, किस ब्लॉक में मेन थ्रेशोल्ड लेना है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, राइट। तो ये मेन थ्रेशोल्ड वाला पार्ट है 0.50 का, राइट। नाउ ये आपका पहला सेल का ट्रेड बनता है इस जगह पे, एंड जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो आप इसके हाई पे रख सकते हो, एंड जो टारगेट है वो यहाँ पे लो तक रखोगे, या फिर जो भी आपका पीओआई वगैरह है वो आप डाल सकते हो, वो सारी चीजें आप पे आती है, राइट, ठीक है। मैं ज्यादातर बॉस तक ही टारगेट रखता हूँ, बट जहां आपके बायस है आप वहां तक इसे प्लान कर सकते हो, राइट। ये आपका पहला सेटअप बना। नाउ आप लोगों के माइंड में डाउट आ रहा होगा कि नीलेश भाई हम इसे क्यों नहीं लेते, आप इसे ले सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप जो है इस वाले पोजिशन को ले सकते हो। देखो अगर अगर ये जो कैंडल है, ये ब्लैक कैंडल कुछ इस तरीके से होती,
इस ब्लैक कैंडल के हाई ने इस कैंडल का हाई लिया होता तो ये इनसाइड, ये जो ब्लैक कैंडल है ये ग्रीन कैंडल के इनसाइड बार में नहीं आती। इनसाइड बार का रोल आपको पता ही है राइट, ब्लैक कैंडल जो है इसके इनसाइड में नहीं आती राइट। तब ये वाला पार्ट वन एंड ब्लैक कैंडल के बगल वाली कैंडल पार्ट टू दो डिवाइड हो जाते हैं, पार्ट वन एंड पार्ट टू। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे ये इसके अंदर आ रही है, मीन्स ये बाइंग कैंडल के अंदर आ रही है, तो ये दोनों बाइंग कैंडल ही मानी जाएगी राइट। तो ये दोनों को अलग नहीं कर रही है, पार्ट वन और पार्ट टू को अलग नहीं कर रही है। तो आप ये पूरे पोजिशन को लोगे राइट, आप ये पूरे पोजिशन को लोगे और जब आप इसे आगे लोगे तो ये देखो मीन थ्रेशोल्ड के अबाव बॉडी क्लोज नहीं हो रही है राइट, मीन थ्रेशोल्ड से ही रिजेक्शन है। हाँ, अगर बॉडी क्लोज हो जाती है तो एक क्वेश्चन माइंड में खड़ा होता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करेगा राइट, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है बहुत कम हो जाती है। नाउ किस जगहों पर मीन थ्रेशोल्ड लेना है किस जगहों पर नहीं वो मैं आपको अभी बताऊंगा, बट अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहा हूँ और काफी डिटेल में जा रहा हूँ राइट, इसको भी आप समझना। देखो हमने इसे यहाँ पे 0.5 लिया और प्राइस इसको टैप कर रहा है एंड प्राइस डाउन साइड जा रहा है राइट। तो ये हमने इंटरनल लिया। अगर ये जैसे मैंने आपको बताया ये इनसाइड बार में नहीं आती तो हम ये पार्ट को लेते राइट, बट ये पार्ट की हमें नीड ही नहीं पड़ी, ये इनसाइड बार में आ रही थी तो ये पूरा ले सकते थे राइट, पहला ये और सेकंड ये राइट। अब मैंने पहला वाला क्यों लिया, क्योंकि इसके हाई के अबाव नया निकला ही नहीं है राइट, नया पोजिशन जो है गया ही नहीं है, ये इसके इनसाइड में ही आ रहा है, दैट्स वाई मैंने पहले ये लिया था। बट आप अगर जो इंटरनल स्ट्रक्चर है राइट, या जो माइनर आप स्विंग लेना चाहते हो, माइनर ऑर्डर ब्लॉक लेना चाहते हो, तो वो भी आप ले सकते हो एंड आपको इस तरीके से रिजल्ट देखने को मिलेगा। नाउ एक और चीज आपका ये जो ब्लॉक है राइट, ये आपका ब्लॉक है इस जगह पर ठीक है, ये आपका ब्लॉक है पूरा का पूरा। नाउ अगर आप देखोगे ये सेलिंग है राइट, ये सेलिंग वाला पार्ट है, तो इस ब्लॉक का लो वाला जो पार्ट है अगर मैं दिखाऊं आपको जूम करके, देन इस ये ब्लॉक का यहां से लेके यहां तक है राइट। तो अगर सेलिंग वाला पार्ट है तो लो वाला पार्ट देखो ब्लॉक का, अगर सेल के लिए आप बाइंग ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ रहे हो राइट, जहां से आप सेल कर सकते हो ठीक है, बाइंग कैंडल ढूंढ रहे हो जहां पे आप सेल कर सकते हो राइट, तो उस क्राइटेरिया में आप इस ऑर्डर ब्लॉक का लो पार्ट देखो कि ये जो लो पार्ट है राइट, ये वाला जो लो पार्ट है ये यहां कहीं एफपीजी से ओवरलैप तो नहीं हो रहा है, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं। इसका जो ऑर्डर ब्लॉक का ये वीक है, ये वीक और ये एफपीजी दोनों ओवरलैप तो नहीं हो रहे हैं, देखो यहाँ पे ओवरलैप हो रहे हैं राइट। ये यहाँ का एक एफपीजी है, आपको पता है एफपीजी राइट, जिन्हें नहीं पता डायरेक्टली लेक्चर देख रहे हैं तो प्लीज वो पहले के लेक्चर देख लें राइट। ये एफपीजी है एंड ये वीक, देखो एग्जैक्ट बीच में कोई चीज रुक नहीं रही है राइट, कोई रुकावट के लिए कोई बीच में कोई चीज नहीं है राइट, आपके सामने कोई बीच में चीज रुकावट के लिए नहीं है, ध्यान से देखना राइट। तो अब इस केस में क्या होगा पता है, अब इस पूरे ऑर्डर ब्लॉक के लेने की जगह अब इस जो कैंडल जिस कैंडल की विक ने ओवरलैप किया है राइट, उस कैंडल की विक लो राइट, एंड आप देखोगे इस विक के अबाव एक भी बॉडी क्लोज नहीं हो पाई है राइट। एंड नाउ आप इसको इस तरीके से छोटे से प्लान कर सकते हो, ये इसके पीछे का रूल है ओवरलैपिंग का। अगर ओवरलैपिंग नहीं है देन पूरा ऑर्डर ब्लॉक और उसका 50% राइट, बट अगर ओवरलैपिंग है राइट तो जस्ट उस कैंडल की वीक इनफ है, उसके अबाव बॉडी क्लोज नहीं होगी। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो इस ये जो यहां पर एफपीजी है, यहां पर जो ये एफपीजी है, ये एफपीजी फील हो गया होता इस कैंडल के थ्रू। अब देखो यहाँ पे ये एफपीजी जो था इस ब्लैक कैंडल के हाई ने फील कर दिया, नाउ एफपीजी है नहीं, एफपीजी का रुकावट आ गई यहाँ पे देखो राइट। तो अब आप ऐसे नहीं मान सकते कि यहाँ पे और ये एफपीजी, नो, क्योंकि ये तो ऑलरेडी टैप हो चुका है, मिटिगेट हो चुका है राइट, ये एफपीजी फील हो चुका है, देखो इस कैंडल की वीक ने पूरा फील कर दिया है। तो इस केस में आपको ऑर्डर ब्लॉक का 50% या पूरा ऑर्डर ब्लॉक आपको मार्क करना पड़ेगा। अब समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एकदम इजी वे में और एकदम डेप्थ में और डिटेल में लर्न करवा रहा हूं चीजों को, आई होप आप समझ रहे हो है ना। तो नाउ जब आप यहां पे देखोगे
ओवरलैपिंग नहीं है, राइट। ये मैंने जस्ट मार्क करके समझाया कि अगर अगर इस तरीके से होता, राइट, इस तरीके से कैंडल के अभाव वीक आती और ओवरलैपिंग नहीं होती, तब आपको पूरा लेना था, राइट। बट अभी फिलहाल ओवरलैपिंग अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो है ये वाला, तो उस केस में आपको वीक के साथ जो एफजी कंबाइन हो रही है वो पूरे पार्ट को लेना है, और बिलीव मी उसके अभाव बॉडी क्लोज नहीं होगी। हाँ, अगर उसके बायस सही डायरेक्शन में आप फॉलो कर रहे हो तो, राइट। बायस वगैरह क्या है ये मैं आने वाले पार्ट में आपको लर्न करवाऊंगा, बहुत डेप्थ में हम जाने वाले हैं, बट स्टेप बाय स्टेप समझो कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। ये आपका पहला ऑर्डर ब्लॉक हुआ, नाउ हम इसको कंटिन्यू फॉलो करते हैं। प्राइस डाउन जा रहा है, राइट, डाउन जाने के बाद प्राइस अबाव गया एंड यहीं से रिजेक्शन ले रहा है, राइट। नाउ यहाँ पर जस्ट आप देखोगे, मैं इसे थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ जिससे क्लियर व्यू आपको देखने को मिले। अगेन क्या हो रहा है, लोअर लो, राइट, आईडीएम, नाउ अगर हम वो इक्विलिब्रियम और प्रीमियम डिस्काउंट वाला जोन निकालते हैं तो ये प्रीमियम वाला पार्ट है इक्विलिब्रियम के अभाव, और प्रीमियम से हमें क्या करना है, सेल करना है, राइट। तो अब इसके अंदर सेलिंग पीओआईज कौन से हो, देखो इसके अंदर जब आप ऑर्डर ब्लॉक देखोगे तो कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, क्या ये लास्ट दो कैंडल, हाँ। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ब्लैक कैंडल ग्रीन कैंडल के इनसाइड बार में आ रही है, मीन्स एक दो तीन, ब्लैक कैंडल को स्किप कर दो क्योंकि वो इनसाइड बार में आ गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, नॉट फिफ्थ, राइट। टोटल पांच कैंडल नहीं, ओनली फोर कैंडल, क्यों, क्योंकि ये इनसाइड बार में है तो दोनों को एक ही गिनेंगे, और जो मेन कैंडल है वो ग्रीन है तो इसको भी हम ग्रीन में ही काउंट करेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इसको स्किप करना है क्योंकि इनसाइड बार में, हाँ। अगर ये इनसाइड बार के अंदर नहीं आती, थोड़ी सी भी वीक बार होती तो हम जस्ट ये दो कैंडल को लेते क्योंकि दोनों पार्ट डिवाइड हो गए, बट अभी फिलहाल नहीं है, राइट। नाउ जस्ट आप यहां पे देखोगे तो ये पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक, ओके। नाउ आप यहां पे नोटिस करो कि प्राइस क्यों 0.5 तक नहीं आया, इक्विलिब्रियम तक क्यों नहीं आया, क्यों, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक मैंने जैसे ऊपर बताया, ऑर्डर ब्लॉक का लो वाला पार्ट एक एफपीजी के साथ ओवरलैपिंग में है, ये एफपीजी, राइट, एंड ये एफपीजी को इस वीक ने ओवरलैप किया हुआ है ऑर्डर ब्लॉक के, राइट, ऑर्डर ब्लॉक के वीक ने एफपीजी को ओवरलैप किया हुआ है और ये एफपीजी फेल नहीं हुआ है, राइट। तो जब आप फेल नहीं हुआ है और आपने ओवरलैपिंग देखा है तो जो ऑर्डर ब्लॉक की वीक ने ओवरलैपिंग किया है उसके वीक और एफपीजी को पूरा लो, एंड आप यहां पे देखोगे प्राइस डाउन, राइट, एंड ये आपका सेकेंड ट्रेड जो आप प्लान कर सकते हो, ओके। एंड जो भी आपका बॉस या जो कोई भी आपके बायस है वो आप टारगेट रख सकते हो, राइट। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, कि किस जगहों पर आपको ओवरलैपिंग वाला पार्ट लेना है, किस जगहों पर आपको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का मेन थ्रेशोल्ड वाला पार्ट लेना है। दोनों में एडवांस ऑर्डर ब्लॉक ही यूज कर रहा हूँ, राइट, दोनों में एडवांस ऑर्डर ब्लॉक ही मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। बट कहां पर ओवरलैपिंग और कहां पर मेन थ्रेशोल्ड, इसको आपको समझना है, राइट। नाउ अगेन प्राइस डाउन आ रहा है, अब चीजों को सिंपल वे में समझो, देखो स्ट्रक्चर स्टिल डाउन ट्रेंड में है, राइट, स्ट्रक्चर स्टिल डाउन ट्रेंड में है। अब अगर आप यहां पे देखोगे लोअर लो, राइट, इसका आईडीएम स्टिल अभी भी नहीं हुआ है, ठीक है, ये इंटरनल स्विंग में आ जाता है इनसाइड बार के अंदर, तो 5 मिनट में नहीं हुआ, तो क्या हम ये पूरे मोमेंटम को मिस कर दें, ये जो पूरा मोमेंटम है यहां से यहां तक का 200 पॉइंट का मोमेंटम या 170 पॉइंट का जो मोमेंटम है, क्या हम इसे मिस कर दें, नो। तो अब इसका यूज कैसे किया जाए उसको आप समझो, प्राइस फ्रैक्टल है, मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया था, फ्रैक्टल मीन्स टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम, राइट। जो चीजें क्लियर आपको हायर टाइम फ्रेम पे नहीं दिखती है वो आपको लोअर टाइम फ्रेम पे दिखेगी, और जो चीजें आपको क्लियर लोअर टाइम फ्रेम पे नहीं दिख रही है वो आपको हायर टाइम फ्रेम पे दिखेगी, राइट। इसे बोला जाता है मार्केट का फ्रैक्टल नेचर, मींस अगर आपके हायर टाइम फ्रेम पे डब्ल्यू बन रहा है इस तरीके से, तो मान लो ये 15 मिनट पे डब्ल्यू बना है, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि 1 मिनट में भी एक छोटा डब्ल्यू आपको इस पूरे पार्ट में देखने को मिलेगा,
और वहीं से एक टर्निंग पॉइंट आया हुआ है, राइट। इसे बोला जाता है फ्रैक्टल नेचर। जो हायर टाइम फ्रेम पे हुआ है लोअर टाइम फ्रेम पे भी होगा, या जो हायर टाइम फ्रेम पे आप नहीं देख पा रहे हो वो आप लोअर टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, या जो आप लोअर टाइम फ्रेम पे नहीं देख पा रहे हो वो हायर टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो, ठीक है। मार्केट का नेचर फ्रैक्टल है तो आपको टाइम फ्रेम चेंज करके सारी चीजें देखनी होंगी, राइट। नाउ हायर टाइम फ्रेम पे लाइक हम 5 मिनट पे है तो हमें कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है जिससे हम पकड़ सके, राइट। ना लोअर लो है ना आईडीएम है, तो अब इसे पकड़े कैसे। अगर आप देखोगे 19 अक्टूबर में है हम लोग, 5 मिनट की जगह 1 मिनट में शिफ्ट हो जाते हैं एंड जाते हैं 19 अक्टूबर को, राइट। ओके हम आ गए, राइट। ये वही पार्ट है 19 अक्टूबर, लेकिन टाइम फ्रेम चेंज हो गया। नाउ आप जब आप देखोगे लोअर लो आईडीएम, राइट, ये आपका आईडीएम एग्जैक्ट मिल गया। इसे बोला जाता है फ्रैक्टल नेचर। टाइम फ्रेम के अंदर जब आप टाइम फ्रेम पे जाओगे तो चीजों को क्लियर देख पाओगे। अगर आप ये सोचो कि नीलेश भाई हम कौन से टाइम फ्रेम पर इसे यूज करें, देन आप सीरियसली में गलत वे में जा रहे हो। आप पर्टिकुलर एक टाइम फ्रेम पर नहीं देख सकते। देखो मैं आपको अगर टाइम फ्रेम का खेल बताऊं तो ये टाइम फ्रेम अलग अलग टाइम फ्रेम्स हैं। इसके बनाने की नीड क्यों पड़ी, क्योंकि कुछ लोग कुछ अलग टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, कुछ लोग अलग टाइम फ्रेम पर, कुछ लोग अलग टाइम फ्रेम पर, और सारे लोग अलग अलग चीजें देख रहे हैं। लेकिन जब आप इसे कंबाइन कर दोगे तो आपको रियल वे दिखेगा, समझ रहे हो। अगर मान लो एक इमेज के पजल के टुकड़े अलग अलग हैं, कुछ टुकड़े किसी और को कुछ दिखा दिए, कुछ टुकड़े किसी और को दे दिए, कुछ टुकड़े किसी और को दे दिए, सारे लोग जो वो इमेज के टुकड़ों को देख रहे हैं तो वो कुछ और इमेजिन कर रहा है, वो कुछ और इमेजिन कर रहा है, और थर्ड पर्सन कुछ और इमेजिन कर रहा है, राइट। बट जब वो तीनों जो पजल है, तीनों पजल को अगर आप ज्वाइन कर दो तो वो जो एक्चुअल इमेज है, राइट, वो पजल के टुकड़े जब मिलके एक इमेज बनती है, वो इमेज आप देख पाओगे, और वो एक ट्रू इमेज है, वो एक ट्रू आंसर है, राइट। तो जब आप ये टाइम फ्रेम को सही से देखोगे तो आप एक सही डायरेक्शन पकड़ पाओगे, राइट। आई होप आप मेरी बातों को पकड़ रहे हो। देखो नाउ आईडीएम हो गया। अब डाउन ट्रेंड है तो आपको ऊपर से सेल करना है, राइट। डाउन ट्रेंड है तो आपको ऊपर से सेल करना है। नाउ यहाँ पर एक गैप इम्बेलेंस है, ठीक है। तो अब ऑर्डर ब्लॉक तो कहाँ है, आप अगर यहाँ पे देखोगे जो आपका एफएजी और एफएजी वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ पर है, राइट, इस जगह पे। आप अगर देखोगे इनसाइड बार के अंदर या जो कुछ भी आप देखना चाहो, राइट, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, और फिर यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, लो, ठीक है, और प्राइस इसको टैप करके जा रहा है। नाउ आप देखो, जब आपको पता है कि इंडसमेंट हो चुका है और प्राइस को यहां तक ऑर्डर ब्लॉक तक जाना है तो आप क्या करोगे, नीचे से क्या करोगे, बाय करोगे, कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए, राइट। तो अब इस बाइंग को जब अगर मैं आपको मिटिगेशन ब्लॉक सिखा दिया होता, ठीक है, क्योंकि अभी मिटिगेशन ब्लॉक आगे वाले पार्ट में हम आएंगे, बट अगर आपको मैंने मिटिगेशन ब्लॉक समझा दिया होता तो आप इस मिटिगेशन ब्लॉक को पकड़ पाते, मतलब यहाँ से आप ट्रेड पकड़ पाते, इस मिटिगेशन ब्लॉक को प्राइस ने टैप किया और आप इस ट्रेड को ले पाते, राइट, ठीक है। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। और ये भी एक यूनिकॉर्न सेटअप ही है, ओवरलैपिंग के साथ, एफजी के साथ मिटिगेशन ब्लॉक का ओवरलैपिंग। तो ये जो पार्ट है, ये वीक आपका बाइंग वाला पार्ट बनेगा, ये मिटिगेशन ब्लॉक में मैं ये एग्जांपल आपको दूंगा, राइट। तो नाउ अभी 1 मिनट में हमें क्लियर एंट्री नहीं मिल रही है तो क्या किया जाए। आप अगर यहाँ पे देखोगे लास्ट सेलिंग कैंडल की जो वीक है एफजी के साथ क्या कर रही है, क्योंकि आप देखो नीचे से बाय करना है तो लास्ट दो सेलिंग कैंडल देखनी पड़ेगी, ग्रीन कैंडल तो देखनी नहीं है, बाय करना है ना। तो ये जब आप वीक देखोगे तो ये वीक क्या कर रही है, एक एफपीजी जो यहाँ पर इतना बड़ा है उसके साथ क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग, साथ ही साथ आपका एक मिटिगेशन ब्लॉक जिसको टैप कर रहा है। तो ये एक परफेक्ट, एक पावरफुल सेटअप है, राइट, जहाँ पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। और प्राइस इसी को लेके बिग प्लेयर की एंट्री, और आप देखोगे एग्जिट अपसाइड में मोमेंटम, राइट, एग्जिट अपसाइड में मोमेंटम। साथ ही साथ आप अगर मिटिगेशन ब्लॉक अभी सीखे नहीं हो तो अब इसको आप पकड़ोगे कैसे, आप जाओ अगेन 5 मिनट पे एंड 19 अक्टूबर। नाउ आप देखो ये 1 मिनट का आईडीएम है, राइट, हमने 5 मिनट में नहीं लिया, 1 मिनट का आईडीएम। नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है, फर्स्ट एंड टू एक साथ है, बीच में कोई गैप नहीं है, तो ये पूरे पार्ट को लेना पड़ेगा, पूरे पार्ट को, राइट। एंड पूरे पार्ट में जब आप देखोगे तो इसका मेन थ्रेशोल्ड इस जगह पे आ रहा है, बट प्राइस इधर क्यों नहीं आया, क्योंकि अगर आप, मैं थोड़ा आईडीएम साइड में कर देता हूँ जिससे आप क्लियर देख पाओ, राइट, ये इसलिए नहीं आया क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर वीक था, और ये वीक
एक एफवीजी के साथ क्या कर रहा था, ओवरलैपिंग क्या कर रहा था, ये एफवीजी है और ये वीक, ओवरलैपिंग। हाँ, अगर इस वीक ने एफवीजी के ऊपर निकल गया होता, राइट, तो एफवीजी का इस ऑर्डर ब्लॉक से फिर कोई लेना देना नहीं होता, प्राइस नीचे तक आता, राइट। बट इसकी जो वीक है वो आधे में ही है, मतलब एफवीजी के पार्ट को फिल इधर भी नहीं हो रहा और इधर भी नहीं हो रहा, राइट। आप अगर देखोगे तो इधर भी देखो ऊपर का पूरा पार्ट बाकी है एंड इधर भी पूरा पार्ट बाकी है, राइट, फेल होना। तो ये एक कंप्लीट सेटअप है, राइट, ओवरलैपिंग वाला। वीक पार्ट आपने लिया, राइट, एंड दूसरी बात, आपको पहले टारगेट भी नोटिस करना है, क्योंकि ट्रेंड तो डाउन है, राइट, और ऊपर से ही सेल करना है। तो 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक इसके अंदर है, राइट, और अगर आप इसकी ब्यूटी को देखोगे तो आप ध्यान से देखो, 1 मिनट में जो मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था एफजी और ऑर्डर ब्लॉक वाला, वो 5 मिनट में क्या है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, लास्ट बाइंग कैंडल, राइट, लास्ट बाइंग कैंडल। एंड इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को हम पूरा ले रहे हैं, ठीक है। एंड फ्रैक्टल नेचर का यूज करते हैं तो हमें छोटा ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, जिसे हम रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, राइट, यू नो रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक, राइट। तो हमें छोटा स्टॉप लॉस मिलता है और यहाँ से भी हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, या हम एडवांस ऑर्डर ब्लॉक लेते हैं तो यहाँ से भी हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, राइट। नाउ आप बोलोगे नीलेश भाई ये भी तो लास्ट बाइंग कैंडल थी, बट ये एक इनसाइड बार के अंदर आ रही थी, और इनसाइड बार वाली कैंडल कौन सी है, सेलिंग कैंडल है, तो सेलिंग कैंडल के अंदर जो कैंडल आती है वो भी सेलिंग ही मानी जाएगी, राइट। ये जस्ट एक क्लियर बाइंग कैंडल था, राइट। नाउ यहां से जो हमने ट्रेड बनाया उसका टारगेट क्या है, ये ऑर्डर ब्लॉक तक, ठीक है, इसका टारगेट क्या है, ये ऑर्डर ब्लॉक तक। नाउ यहां से रिजेक्शन मिला तो ऑब्वियसली ट्रेंड तो डाउन है, ऊपर से सेल ही करना, ये तो काउंटर ट्रेड था, ट्रेंड के अगेंस्ट जो ट्रेड करते हो वो काउंटर ट्रेड है, राइट। नाउ ये रियल ट्रेड है जो हम ट्रेंड के साथ कर रहे हैं विथ एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ओके, एग्जैक्ट यहां तक टारगेट। आई होप मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझ रहे हो, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। ऑलरेडी 37 मिनट का लेक्चर हो चुका है, 2 घंटे के ऊपर जाने वाला है अगर मैं सारे ब्लॉक लर्न करवाता हूँ, ठीक है। बट मुझे नहीं पता अभी तक आप कितने लोग देख रहे हो, राइट, मुझे कोई परवाह भी नहीं है कि मेरे व्यूज़ कितने आते हैं या कितनी लाइक आती है, मुझे बस उन लोगों की परवाह है जो मुझे एंड तक देख रहे हैं और वो सीखना चाहते हैं, राइट, बस उन्हीं के लिए बना रहा हूँ। कुछ लोग मुझे बांग्लादेश से देखते हैं, कुछ लोग मुझे म्यांमार से देखते हैं, कुछ लोग मुझे पाकिस्तान से देखते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान से देख रहे हैं तो मेरे मन में उनके लिए नफरत है, राइट, मैं उनसे बहुत मोहब्बत कर रहा हूँ, ठीक है। जस्ट बॉर्डर हमें अलग अलग कर सकती है, बट हम लोग एक ही हैं, राइट, हम इंसान हैं और आप भी इंसान हो, ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समझा पाऊँ, आप इसे फॉरेक्स में भी यूज़ कर सकते हो, राइट, जो म्यांमार से देख रहे हैं, जो कनाडा से देख रहे हैं, राइट, जो अमेरिका से देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनके मैसेज मुझे आते हैं, राइट। तो आई होप मैं आपको सही तरीके से समझा पा रहा हूँगा और आप अभी तक इसे देख रहे होंगे, राइट। नाउ ये कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और अगर नीचे की तरफ हम जाएं, ठीक है, तो उतना कुछ है नहीं, ज़्यादातर मिटिगेशन ब्लॉक ही है, अगर मैं आपको बताऊँ मिटिगेशन ब्लॉक, एंड ये मिटिगेशन ब्लॉक को टैप करके डाउन, राइट, ये सारी चीज़ें हो रही है, राइट। और अगर मैं इसे पहले ये जो सारे सेलिंग मैंने ऑर्डर ब्लॉक थे जो बता दिए, नाउ मैं अगर आपको बाइंग ऑर्डर ब्लॉक बताऊं, अगर आप यहाँ पे देखोगे, राइट, अब डिस्काउंट से हमें बाय करना है तो हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो ये जो इनसाइड बार नहीं है, राइट, ये पूरी इनसाइड बार ग्रीन है, ग्रीन के अंदर ये 2 कैंडल आ गई है, तो दोनों ग्रीन कैंडल ही है, ये वाला इनसाइड बार नहीं है ब्लैक का, राइट, ये ग्रीन कैंडल है, इसके अंदर ब्लैक आ गई और ये ग्रीन आ गई, तीनों ये दोनों कैंडल इस ग्रीन कैंडल के अंदर इनसाइड बार है, राइट। तो जस्ट लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है, ये और ये, ठीक है। तो अब हम इसे मार्क करते हैं, राइट, एंड ये जब हम इधर तक लेते हैं तो मीन थ्रेशोल्ड पार्ट यहाँ पे। अब आप बोलोगे मीन थ्रेशोल्ड क्यों नहीं आया, रीजन है, क्या रीजन है, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर वीक है और वो वीक एक एफवीजी के साथ ओवरलैपिंग कर रही है, राइट, और ये एक पावरफुल सेटअप होता है, ये ऑर्डर ब्लॉक की वीक, राइट, एंड इसके बिलो एक भी बॉडी क्लोज नहीं हुई है और ये ओवरलैपिंग वाला एफवीजी, एंड ये आपका एग्जैक्ट सेटअप फॉर बाइंग, राइट। मैंने आपको बाइंग भी दिखा दिया एंड सेलिंग भी दिखा दिया, और ऐसा नहीं है कि कुछ इधर के दिखा रहा हूँ और 10 दिन बाद जाके कुछ दिखा रहा हूँ, सारे साथ में ही है, देखो अब अगर देखोगे बाइंग सेलिंग साथ में ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब आप बोलोगे कि हर जगह क्यों वर्क नहीं करता, देखो हर जगह जरूरी नहीं है कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक ही बने,
कहीं पे मिटिगेशन ब्लॉक भी बन सकता है, रिक्लेम ब्लॉक भी बन सकता है, रिजेक्शन ब्लॉक भी बन सकता है, राइट। नाउ आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो, ठीक है। मैं अगर और कुछ एग्जांपल आपको दिखाऊं, राइट, अगर मैं आपको कोई और एग्जांपल दिखाऊं तो ये सारे रिजेक्शन वगैरह है एंड मिटिगेशन वगैरह है, ठीक है, गैप इम्बेलेंस वगैरह है, ठीक है, राइट। आई होप आपके लिए इतने एग्जाम्पल ठीक है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, बट मेन चीज़ यह है कि जितना आप खुद से फाइंड करोगे आप इसे मास्टर मास्टर ही कर पाओगे, राइट, ठीक है। अगर मैं जस्ट सारी चीज़ें आपको ये बताऊँ कि देखो अच्छी ही अच्छी हैं, देन कोई मतलब नहीं है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, ये सेलिंग कैंडल है, राइट, ये वाली जो कैंडल है सेलिंग कैंडल है और ये भी सेलिंग कैंडल है, राइट, ये पूरा का पूरा पार्ट ऑर्डर ब्लॉक है, बट प्राइस क्यों मीन थ्रेशोल्ड तक नहीं आया, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक का जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का जो वीक है इसके साथ क्या है, एक एफवीजी, राइट, एंड ये वीक हमें इसकी लेनी है एंड ये आपका सेटअप है, राइट। आई होप आपको जो चीजें मैं बताना चाह रहा हूँ वो आपको अगेन यहाँ पे एक और मिल गई, राइट। ऐसा बहुत सारे सेटअप है जिसको आप समझोगे तो आप और बेहतर तरीके से लर्न कर पाओगे, राइट। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो कि मैं क्या चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ, बिकॉज हर जगह दूसरे सेटअप भी बनते हैं, लाइक ब्रेकर ब्लॉक हुआ, मिटिगेशन ब्लॉक हुआ, रिक्लेम ब्लॉक हुआ, रिजेक्शन ब्लॉक हुआ, तो ये ब्लॉक को भी हमें जाना है। ऑलरेडी 41 मिनट का लेक्चर हो चुका है, ठीक है। तो आई होप आपको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक समझ में आ गया हो। नाउ हमारा जो सेकेंड पॉइंट है वो है मिटिगेशन ब्लॉक, राइट। तो नाउ हम मिटिगेशन ब्लॉक पर शिफ्ट होते हैं, ठीक है। नाउ हम मिटिगेशन ब्लॉक को समझते हैं कि मिटिगेशन ब्लॉक होता क्या है और हम इसको किस तरीके से चार्ट में मार्क कर सकते हैं, और चार्ट में मैं कुछ एक एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा जिससे आप इसको और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। अगर मैं आपको बताऊं कि मिटिगेशन ब्लॉक होता क्या है, तो जब हम प्राइस को अपसाइड में जाते हुए देखते हैं, प्राइस कुछ इस तरीके से अपसाइड में जाता है, हायर हाई बनाता है, प्राइस डाउन आया, हायर लो बनाता है, एंड प्राइस ये जो हायर हाई है इसको अगेन तोड़ दे, राइट। तोड़ने के बाद प्राइस अगेन डाउन आया, डाउन आने के बाद प्राइस जो है इस स्विंग को तोड़ नहीं पाया, समझो हाई को तोड़ रहा है बट हायर लो को नहीं तोड़ पा रहा है एंड ऊपर चला गया, तो ये क्या हुआ, स्विंग फेलियर हुआ, राइट, इसको ये तोड़ नहीं पाया और प्राइस ऊपर चला गया। नाउ इससे क्या हुआ कि हमारे जो बायस हैं या हमारा जो ट्रेंड है वो हमें पता चल गया कि अपसाइड में है, राइट। अब आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब हायर हाई बनता है और प्राइस जब नीचे आता है तब यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी होता है, राइट, या फिर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होगा। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक आपने अभी लर्न किया है तो थोड़ा आपने इसे नोटिस नहीं किया होगा, बट अब आप इसे चार्ट में नोटिस करोगे, राइट। तो ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बना है, ठीक है, और यहाँ कहीं पे भी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बना होगा, राइट। अब प्राइस जो है जब इसको ब्रेक करता है एंड डाउन आता है तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक जो फेल हो गया, अगर आपको सिंपल वे में बताऊं तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक यहां पे था, प्राइस यहां से रिजेक्शन लेकर डाउन गिरा नहीं, राइट, प्राइस ऊपर निकल गया, इसके अबाव क्लोजिंग दे दी इस ब्लॉक के अबाव, राइट। अब इससे हुआ क्या कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक था ये फेल हो गया, राइट। अब प्राइस जो है नीचे आ रहा है और इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद प्राइस ऊपर जा रहा है, एंड ये जो टैपिंग हो रही है इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ इसे बोला जाता है मिटिगेशन ब्लॉक। मैं सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। अगर मैं भी आपको नहीं समझ में आया मैं अगेन आपको बता देता हूँ। हमें पहले स्विंग फेलियर देखना है कि भाई प्राइस किस साइड के डायरेक्शन के स्विंग को तोड़ नहीं पा रहा है। मैंने यहाँ पे देखा कि डाउन साइड के स्विंग को तोड़ नहीं पा रहा है, तो प्राइस जो है अप साइड के ऑर्डर ब्लॉक को बार बार तोड़ रहा है। देखो अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक था उसको तोड़ दिया और ऊपर चला गया, एंड प्राइस डाउन, फिर ऊपर चला गया, इसको तोड़ दिया, राइट। तो जो ऑर्डर ब्लॉक फेल हो रहे हैं, राइट, मीन्स जो हायर हाई है, प्राइस उस हायर हाई को, पिछले हायर हाई को टैप करके अपसाइड में जाता है और उस वाले पार्ट को या उस ऑर्डर ब्लॉक को बोला जाता है मिटिगेशन ब्लॉक, राइट। सेम चीजें डाउन ट्रेंड में भी होती है। अगर मैं डाउन ट्रेंड में आपको बताऊं, आप टेंशन मत लो, राइट, मैं इसको थोड़ा और डेप्थ में बताऊंगा तो आप और अच्छे तरीके से समझ पाओगे। थोड़ा बहुत ऊपर से जा रहा होगा बट मैं आपको सही वे में समझा दूंगा, टेंशन मत लो। प्राइस जो है डाउन साइड गया। अब नाउ इसमें क्या नोटिस करना है कि प्राइस जो है पिछले जो हायर लो था, राइट, या लोअर हाई था, सॉरी लोअर हाई था, उसको वो तोड़ नहीं पा रहा है। देखो जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे इस स्विंग को तोड़ दिया, अब नाउ जब ऊपर इसको लेने जाना चाहिए वो लेने नहीं गया, यहीं से गिर गया, ये क्या हुआ,
स्विंग फेलियर, राइट, ट्रेंड डाउन है। नाउ इसमें मिटिगेशन ब्लॉक आपको कहां पे देखने को मिलेगा उसको समझो। अब जब प्राइस ऊपर जाएगा, राइट, तो वो इस वाले मिटिगेशन ब्लॉक को टैप करके गिरेगा। ये लाइक कुछ आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइप दिख रहा है, बट ये उससे एडवांस है। और इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जिसको लॉजिक नहीं पता होता, जिसको कॉन्टेक्स्ट इसके पीछे का नहीं पता होता, वो समटाइम्स सोचते हैं कि वाओ सपोर्ट रेजिस्टेंस कितना बेहतर वे में वर्क कर रहा है, राइट, बट उनको लॉजिक नहीं पता। और यही रीजन है कि वो समटाइम्स वर्क करता है, समटाइम्स वर्क नहीं करता। ठीक है, मैं जस्ट आपको इसका पूरा लॉजिक बताऊंगा और इसके अंदर ओवरलैपिंग सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कि कितने पीडी अरेज या प्रीमियम अरेज मिक्स होकर आपको और स्ट्रांग बता सकते हैं, राइट, या और स्ट्रांग पीओआई बना सकता है, राइट। मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, बट अभी हमें समझना है कि स्विंग फेलियर होता क्या है और हम इसको कंफर्म कैसे करें। ये स्विंग बना लोअर लो, ऊपर गया लोअर हाई, नाउ नया लोअर लो। अब प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में है, कैसे पता चला कि भाई लोअर लो टूट रहा है, लोअर हाई नहीं टूट पा रहा। तो अब ये प्राइस जब ऊपर जाएगा तो ये जो लोअर लो था इसमें लास्ट जो बाइंग कैंडल थी, याद रखना ट्रेंड डाउन है तो लास्ट वाली यहां की बाइंग कैंडल, राइट, प्राइस उसको टैप करेगा एंड डाउन। एंड ये जो ब्लॉक होगा ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक होगा। अगर ट्रेंड, मान लो अगर ट्रेंड आपका अप है एंड हायर हाई ब्रेक हो चुका है, हायर लो ब्रेक नहीं हो पा रहा, तो प्राइस जो है इस हायर हाई का पहला जो सेलिंग कैंडल है, बाइंग कैंडल की बात नहीं कर रहा हूं, सेलिंग कैंडल है, उसको टैप करेगा एंड प्राइस अपसाइड में जाएगा। एंड ये जो चीज है आपका मिटिगेशन ब्लॉक रहेगा। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। नाउ इसके पीछे का लॉजिक क्या है उसको भी समझो। देखो कुछ लोग जो है यहां से बाय करने की कोशिश करते हैं और उन्हें लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा, राइट, और वो स्टॉप लॉस कुछ इस तरीके से रखते हैं एंड टारगेट कुछ इस तरीके से रखते हैं। अगर थोड़ा इसे सही से मार्क करो, ओके। नाउ अगर आप यहां पे देखोगे, ओके, जस्ट टू मिनट, प्राइस नीचे गया ऊपर गया। अब यहां पे इन्होंने बाय किया था इस जगह पे, राइट, इस जगह पे इन्होंने बाय किया था, प्राइस ऊपर गया, राइट, थोड़ा प्रॉफिट इनको दिखा एंड सडनली ड्रॉडाउन में आ गए, लॉस में आ गए। नाउ प्राइस जब अगेन ऊपर जाता है तो ये यहाँ पे जो ब्रेक इवन पे इन्होंने बाय किया हुआ था वहां पे प्राइस पहुंचता है, राइट, और जब ये लोग ब्रेक इवन पे निकलने की सोचते हैं तब यहाँ पे एक लिक्विडिटी जनरेट होती है, राइट, ये लोग अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, समझ रहे हो, पहले यहां से बाय किया था, नाउ इसको यहाँ पे सेल कर रहे हैं एंड प्राइस यहां से फिर डाउन जाता है, राइट, तो ये वाले पार्ट पर लिक्विडिटी जनरेट हो रही है और ये इसके पीछे का लॉजिक है, ये इसके पीछे का रीजन है। कुछ लोग यहां पे बाय कर लेते हैं और इस जगह पे जो है स्टॉप लॉस रख देते हैं, स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है एंड फिर साइकोलॉजी की वजह से होल्ड नहीं कर पाते और यहाँ पे मिड में आके सोचते हैं कि यार कम लॉस में निकाल देते हैं और वो निकाल देते हैं, यहाँ पे भी लिक्विडिटी जनरेट होती है या फिर स्टॉप लॉस हिट होता है तो जो अपना माल है वो कट करते हैं एंड लिक्विडिटी जनरेट होती है और उसके वजह से प्राइस डाउन जाता है। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो, क्योंकि आपको ये पता है कि अगर बाय करना है तो कोई सेल करने वाला होना चाहिए, अगर सेल करना है तो कोई बाय करने वाला होना चाहिए और ये इसके पीछे का लॉजिक है और ये सारी चीजें इसके अंदर होती है। दैट्स व्हाई सपोर्ट रेजिस्टेंस समटाइम्स वर्क करता है, राइट, और जब आप इसका लॉजिक को जानते हो और इसके अंदर ओवरलैपिंग मिक्स करते हो, FIG या ऑर्डर ब्लॉक आप जब मिक्स करते हो तब आप एक्चुअल में जो पॉइंट से मूव आने वाला है वो पकड़ पाते हो। आप ब्लाइंडली कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो नहीं कर पाओगे, राइट। फिर आई होप मैं आपको ये समझाने में कामयाब रहा हूँ कि ये किस तरीके से होता है एंड मिटिगेशन ब्लॉक दिखता किस तरीके से। नाउ मैं आपको कुछ कैंडल्स में भी इस तरीके से बता देता हूँ जिससे आप और बेहतर तरीके से समझ पाओ। प्राइस पहले डाउन गया, लो बनाया, हाई बनाया, अब ये जो है ध्यान से देखो लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो क्या हुआ, स्विंग फेलियर। और ये जो ऑर्डर ब्लॉक था इसको इसने क्या कर दिया, तोड़ दिया। देखो रूल क्या होना चाहिए कि इस ऑर्डर ब्लॉक के अबाउ बॉडी क्लोज होनी चाहिए, राइट, बॉडी क्लोज, प्राइस डाउन। अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया था इसी ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस टैप करेगा एंड बूम, राइट। एंड ये जो मिटिगेशन ब्लॉक था, ठीक है, ये मिटिगेशन ब्लॉक, आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। देखो आप इसके अंदर सेलिंग कैंडल या बाइंग कैंडल इसके हाई पॉइंट की ले सकते हो, राइट, एंड सेम चीज डाउन ट्रेंड में
ये जो कैंडल है इसके आप रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल दोनों ले सकते हो राइट। बट मैं आपको अगर सजेस्ट करूँ मेरे एक्सपीरियंस से, तो इसका जो हाई वाला कैंडल है, हाई जो हाई बना है, इसका हाईएस्ट जो कैंडल है वो आप लो, एंड इसके अंदर जो आपका लोएस्ट कैंडल बना हुआ उसको आप लो। या फिर आप सिंपल वे में जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, जैसा मैंने आपको बताया, अप ट्रेंड में लास्ट सेलिंग कैंडल्स एंड डाउन ट्रेंड में लास्ट बाइंग कैंडल्स, ये रूल भी आप अप्लाई कर सकते हो राइट। अब डाउन ट्रेंड है तो लास्ट बाइंग कैंडल्स इसके अंदर ढूंढ सकते हो राइट, एंड अप ट्रेंड है तो इसके अंदर लास्ट सेलिंग कैंडल्स हाई की ले सकते हो राइट। ये आप पे है ठीक है। ऐसा नहीं है कि नीलेश भाई ये फॉलो कर रहे हैं तो मैं भी ये फॉलो करूँ राइट, इससे आपका कुछ चेंज नहीं होने वाला। जब तक आप चार्ट में नहीं जाओगे तब तक आप इसको बेहतर तरीके से समझ नहीं पाओगे राइट। आपको क्या सूट कर रहा है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे का जस्ट लॉजिक यही है कि हाई वाला पार्ट होना चाहिए, हाई की कैंडल होनी चाहिए, वो रेड हो ग्रीन हो उससे लेना देना नहीं है राइट। एंड डाउन ट्रेंड में ये स्विंग का जो लोएस्ट पॉइंट है, इसकी रेड या ग्रीन कैंडल हो उससे लेना देना नहीं है, लोएस्ट पॉइंट वाली कैंडल लेनी चाहिए एंड प्राइस इसको टैप करके डाउन साइड जाएगा राइट। आई होप आपको मैंने बेरिस मिटिगेशन ब्लॉक एंड बुलिस मिटिगेशन ब्लॉक समझाने में कामयाब रहा हूँ। नाउ मैं इसको आपको चार्ट में कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ जिससे आप और बेहतर तरीके से समझ पाओ कि मिटिगेशन ब्लॉक दिखता किस तरीके से है और इसमें ओवरलैपिंग किस तरीके से वर्क होती है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। अभी हम निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट पर हैं और 5 मिनट के चार्ट पर हम मिटिगेशन ब्लॉक को मार्क करेंगे और इसमें किस तरीके से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं उसको समझेंगे। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहला जो रूल अप्लाई होता है वो होता है स्विंग फेलियर का राइट। प्राइस जो है पहले डाउन गया, डाउन जाने के बाद प्राइस अपसाइड गया, बट अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो ये जो अपसाइड में जो पुल बैक गया है इसने इसके हाई को नहीं लिया और ये मिड से ही डाउन साइड में गिर गया। एंड गिरते वक्त इसने ये जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है उसको इसने तोड़ दिया राइट। अगर आप यहाँ पे देखो पहले स्विंग फेलियर हुआ राइट, जिससे हमें पता चला कि ट्रेंड जो है अब डाउन हो रहा है एंड ये जो ऑर्डर ब्लॉक था राइट इसको तोड़ दिया। नाउ सेकेंड रूल क्या है, अपसाइड जाए और इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करें एंड फॉल करें राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मिटिगेशन ब्लॉक इसमें कौन सा हुआ, ये जो सेलिंग कैंडल है सबसे लास्ट जिसमें सेलिंग आई है ये आपका मिटिगेशन ब्लॉक है। साथ ही साथ इसके अंदर एक ओवरलैपिंग भी है जो आपको स्ट्रॉन्ग POI बना के देता है राइट। अगर आप PDRS ना समझो, प्रीमियम RS ना समझो, तो आप POI समझो राइट। एक सिंपल वे में अगर आपको बताओ तो जो आपका POI है, स्ट्रॉन्ग POI, वो आपको बना के देता है ये एक मिटिगेशन ब्लॉक, साथ ही साथ ये एक FPG राइट। डबल कंफर्मेशन स्ट्रॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बनेगी राइट, आपका जो ट्रेड है जिसकी प्रोबेबिलिटी है वो स्ट्रॉन्ग होगी। दैट्स वाई ओवरलैपिंग का रूल अगर आपको मिले तो वही मिटिगेशन आप यूज करो, अदरवाइज मिटिगेशन ब्लॉक यूज मत करो। मैं सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ मिटिगेशन ब्लॉक कहाँ कहाँ यूज करना है और कहाँ पर ये फेल होता है, सारी चीजें मैं अभी आपको डेप्थ में बताऊंगा ठीक है। देखो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था राइट, प्राइस ने उसको ब्रेक कर दिया, अपसाइड में गया, एंड यहाँ पर एक FPG भी था राइट, तो डबल कन्फर्मेशन, प्राइस ने इसको टैप किया एंड डाउन साइड में फॉल, यहाँ पे आपका एक ट्रेड बनता था ठीक है। एंड जो आपका स्टॉप लॉस था ये ऑर्डर ब्लॉक या FPG के अबाव, एंड जो टारगेट है वो डाउन साइड में आप रख सकते हो, जो कोई भी आपका आगे POI है या जहाँ तक आपके बायस है वहाँ तक आप रख सकते हो। बायस का लेक्चर जो है मैं आने वाले टाइम में लेकर आऊँगा, बट अभी सिंपली जस्ट इसको समझो, ये पहला ट्रेड बना। नाउ इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो समझो। देखो ये एक हायर हाई है राइट, ये एक हायर हाई है, ये इसके IDM है, इंडोसमेंट जिसे बोले हम राइट, ये यहाँ पे IDM बना राइट। नाउ फर्स्ट FPG एंड ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड बनता है, मैंने आपको समझाया राइट, ये ऑर्डर ब्लॉक और इसके ऊपर FPG, यहां से ट्रेड बना, क्या बना, ट्रेड बना। अब ध्यान से समझो, जो लोग ये समझते हैं कि SMC ऑर्डर ब्लॉक और FPG ही है वो लोग यहां से ट्रेड लेते हैं कुछ इस तरीके से, एंड टारगेट बॉस तक रखते हैं एंड स्टॉप लॉस उनका ये रहेगा, या फिर ये स्विंग लो के बिलो रखते हैं राइट। अब यहां पर आप देखो क्या हो रहा है, इनको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा, प्राइस डाउन राइट, ये जो ब्लॉक था प्राइस ऑर्डर ब्लॉक के बिलो डाउन, क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ। क्यों, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है, इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये 3:25 की कैंडल है ये राइट, मतलब 3:30 को ये क्लोज हो गई ये कैंडल,
ठीक है। तो यहाँ पर दिन क्लोज हुआ है, क्या हुआ है, डे क्लोज हुआ है। ये कौन सा डे है, 5th जनवरी, एंड ये कौन सा डे है, 6th जनवरी। 5th जनवरी का हाई ये है, राइट, इसके हाई की लिक्विडिटी ले ली गई और प्राइस डाउन साइड में जा रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीवियस डे के हाई एंड प्रीवियस डे के लो पर क्या रहती है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, और वो चीज इन नॉर्मल एसएमसी प्लेयर को पता नहीं होता और ये लोग स्मार्ट बनने जाते हैं एंड फेल हो जाते हैं, रोने लगते हैं कि ब्ला 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 एसएमसी वर्क नहीं करता, ये नहीं करता। तुम्हें पता क्या है, सिंपल वे में अगर मैं आपको सीधा सा क्वेश्चन करूँ, पता क्या है तुम्हें, तो तुम खुद को एसएमसी ट्रेडर बोलते हो, राइट। एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब हुई, प्राइस डाउन गया, राइट। ये इनको पता नहीं था कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग है उसकी लिक्विडिटी ले ली गई है, राइट। प्राइस डाउन गया, एंड यहाँ पे जिन लोगों ने बाय किया था तो यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हुई, ये लोग यहाँ पे ट्रैप हुए, और जैसे ही ये इनका स्टॉप लॉस हिट हुआ, इन्होंने अपनी पोजीशन कट की, कट करते ही क्या बना, लिक्विडिटी जनरेट हुई एंड प्राइस जो है इस वाले मिटिगेशन ब्लॉक को टैप करके, और यहाँ पे जो एफजी था ओवरलैपिंग, ठीक है, डबल प्रीमियम अरे अगर हम समझें, या डबल पीओआई स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप, एंड प्राइस इसको टैप करके डाउन साइड। नाउ अगेन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक और सेटअप है, प्राइस इस तरीके से डाउन तक गया अपर, राइट, एंड ये जो स्विंग का लो पॉइंट है वो ये वाला है, प्राइस डाउन आके इसको टैप करके डाउन। नाउ अगर आप यहाँ पे जो इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, राइट, जिससे आप क्लियर देख पाओ, ये जो यहाँ का पॉइंट है, मैं अगर इसको मार्क करूँ, एग्जैक्ट यहाँ पे, और ये एफजी ओवरलैपिंग, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, एफजी है पूरा का पूरा, राइट, मिटिगेशन ब्लॉक भी है एंड ऑर्डर ब्लॉक भी है, ट्रिपल कंफर्मेशन, हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप, राइट। साथ ही साथ एक और प्रोबेबिलिटी यह है कि प्रीवियस डे के क्लोजिंग की लिक्विडिटी ले ली गई है या हाई की लिक्विडिटी ले ली गई है, राइट। इतने सारे हमारे पास प्रोबेबिलिटी कंफर्मेशन है, राइट, एंड प्रोबेबिलिटी हाई है, ये हमारा सेटअप बना एंड ये सेल का ट्रेड, राइट, एंड प्राइस जो है डाउन साइड, ठीक है। तो ये जो डे था, ठीक है, ये जो डे था, ये पूरा डे जस्ट, इजी वे में बताऊं तो ये पूरा डे जस्ट मिटिगेशन ब्लॉक पे खत्म हो गया, पहला मिटिगेशन वाला ट्रेड, राइट, सेकंड मिटिगेशन वाला ट्रेड, एंड डे क्लोज, उसके बाद एक नया दिन स्टार्ट हो रहा, सिंपल वे, एकदम इजी वे में। तो अब आप समझे होंगे कि रीजन क्या है, किस जगह पर मिटिगेशन ब्लॉक वर्क करता है, समझो। ऐसे आप हजारों जगह देखोगे मिटिगेशन फेल हो जाता है, आपको प्रॉपर रीजन पता होना चाहिए, उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, राइट, उसके पीछे हायर टाइम फ्रेम की एक सपोर्ट होना चाहिए। अगर हायर टाइम फ्रेम वो डायरेक्शन में उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, हायर टाइम फ्रेम जो है आपका कुछ और बोल रहा है एंड आप लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ और कर रहे हो, देन आपको गॉड बचाए, राइट, ठीक है, क्योंकि मैं तो बचा नहीं सकता ना, आप खुद को खुद बचा सकते हो। तो सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्क कहाँ पे करेगा। पहले आपको देखना है कि हायर टाइम फ्रेम आपका क्या कह रहा है, राइट। हमने हायर टाइम फ्रेम पे देखा कि प्रीवियस डे की लिक्विडिटीज ने ग्रैब की, तो प्राइस कहाँ जाना चाहिए, डाउन साइड जाना चाहिए, एंड डाउन साइड ये गया, और डाउन साइड के सारे ट्रेड जितने भी बने थे सारे के सारे किस पर बने, मिटिगेशन ब्लॉक पे, सिंपल वे में, राइट। आई होप आपको मिटिगेशन ब्लॉक समझ में आया, और साथ ही साथ अभी हाल ही का एक मिटिगेशन ब्लॉक में बता देता हूँ। आज अगर मैं आपको बताऊँ तो ये 13th जनवरी है, राइट, 12th जनवरी को मार्केट क्लोज हुआ है, 13th जनवरी का मैं एक सेटअप बता देता हूँ, ठीक है, सॉरी 12th जनवरी का, एक दिन पहले का। अगर आप यहाँ पे देखो 13 जनवरी सैटरडे है, राइट, तो ये फ्राइडे का जो सेटअप था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। प्राइस अप गया, राइट, डाउन, अप, ठीक है। अगर आप इसकी पूरी पिक्चर देखोगे तो इस तरीके से शो हो रही है। फर्स्ट क्या हुआ, अप डाउन, अप डाउन एंड अप, सेटअप कहाँ पे बना, ये रहा आपका मिटिगेशन ब्लॉक, एग्जैक्ट स्टॉप लॉस, बॉस टारगेट। मैं ऐसा नहीं है कि 10 दिन पहले का बता रहा हूं या 15 दिन पहले का बता रहा हूं, राइट, ये हफ्ते का ही बता रहा हूं, ये तो कल का ही बता रहा हूं, जब फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुआ। आप इसे गोल्ड में यूज कर सकते हो, US 30 में आप इसे यूज कर सकते हो, German 14 में आप इसे यूज कर सकते हो, जो कोई भी करेंसी पेयर में आपको यूज करना है, बिटकॉइन में यूज करना है, आप यूज कर सकते हो, बट इसके पीछे एक कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, इसके पीछे एक रीजन होना चाहिए। नाउ ये क्यों वर्क किया ये समझो, मिटिगेशन ब्लॉक था, साथ ही साथ ओवरलैपिंग किसके साथ थी, एफवीजी के साथ, साथ ही साथ एक एडो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है
ऑर्डर ब्लॉक भी था, ट्रिपल कंफर्मेशन, मिटिगेशन ब्लॉक, एफपीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक। और यही रीजन है कि मिटिगेशन ब्लॉक वर्क कर गया, राइट। एंड इसके बायस जो थे अपसाइड में थे, स्विंग प्रोजेक्शन माइनस 3 बता रहा था, वहां तक इसके टारगेट थे और ये वहां तक डन कर गया, राइट। स्विंग प्रोजेक्शन क्या होता है, फिप प्रोजेक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आने वाले पार्ट में आपको समझाऊंगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, लोग मिटिगेशन ब्लॉक समझा तो देते हैं, ये सारे ब्लॉक समझा तो देते हैं, बट ये वर्क कहां पर करेगा एक्चुअल में वो कोई नहीं समझाता, समझ रहे हो। रीजन होना चाहिए हायर टाइम फ्रेम का और ये सारी चीजें वर्क करेंगी। आई होप आप मिटिगेशन ब्लॉक समझ गए हो, राइट। नाउ हम नेक्स्ट ब्लॉक पर जाते हैं और उसको डेप्थ में समझते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन रहा है, राइट। आई होप मैं मिटिगेशन ब्लॉक जो है आप तक पहुंचाने में सक्षम रहा हूं, एडवांस ब्लॉक जो है मैं आपको समझाने में सक्षम रहा हूं। नाउ नेक्स्ट ब्लॉक पे हम शिफ्ट होते हैं। नाउ हम ब्रेकर ब्लॉक को समझेंगे कि ब्रेकर ब्लॉक होता क्या है और उसके अंदर हम किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। पहले हम बेरिश ब्रेकर ब्लॉक को समझते हैं, उसके बाद हम बुलिश ब्रेकर ब्लॉक को समझेंगे और उसके बाद हम चार्ट पर जाएंगे और समझेंगे कि हम उसको किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। नाउ हम लर्न करते हैं कि ब्रेकर ब्लॉक होता क्या है। तो एक्चुअली ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक में बहुत सारे सिमिलरिटी है, राइट, और दोनों सेम ही दिखते हैं, बट थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है जो दोनों को अलग बनाता है और लोग उसमें बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं। मिटिगेशन ब्लॉक एंड बेरिश ब्रेकर, सॉरी ब्रेकर ब्लॉक, ये दोनों में लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, राइट। एक्चुअली आप भी खुद कन्फ्यूज हो जाओगे जब मैं आपको समझाऊंगा कि ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक होता क्या। देखो, बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक की अगर बात करूं तो वो किस तरीके से था कि ये स्विंग जो है ले नहीं पाया और यहां से इसने लो ब्रेक कर दिया एंड फिर ये लो वाली कैंडल को टैप करके गिरता है, राइट। इस तरीके से मिटिगेशन ब्लॉक कंटिन्यू पैटर्न है जो कंटिन्यू होता रहता है, राइट। इस ब्लॉक से डाउन, इस ब्लॉक से डाउन, ठीक है, ये मिटिगेशन ब्लॉक है, राइट। बट ब्रेकर ब्लॉक क्या है उसको समझो, ये बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, राइट। मैंने इसको इसलिए ड्रॉ किया है कि दोनों अगल बगल में रहेंगे तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाओगे कि क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। नाउ अब बेरिश ब्रेकर ब्लॉक की बात हम करें, ब्रेकर ब्लॉक कुछ इस तरीके से होता है। पहले कुछ इस तरीके से बनेगा, राइट, प्राइस ऊपर गया एंड सडनली ये स्विंग ले लिया, ठीक है, फिर प्राइस अगेन ऊपर गया एंड इस स्विंग को भी ले लिया एंड देन प्राइस डाउन साइड जाएगा और यहां से प्राइस गिरेगा, राइट। ये आपका ब्रेकर ब्लॉक है। अगर आप इसे समझे हो तो वेल एंड गुड है, और कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, डोंट वरी। ये आपका बेरिश ब्रेकर ब्लॉक है। अगर आप ध्यान से समझोगे, इसमें क्या था, पिछले स्विंग का हाई ले नहीं पा रहा था, बट इसने क्या किया, पिछले स्विंग का पहले हाई लिया फिर लो लिया, मींस बाय साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी, बीएसएल एंड एसएसएल दोनों ले लिया, राइट। बाय साइड लिक्विडिटी भी ली एंड सेल साइड लिक्विडिटी भी ली एंड उसके बाद प्राइस जो है ऊपर गया एंड यहां पे जो ब्लॉक था उसको टैप करके गिर रहा है। इसे बोला जाता है ब्रेकर ब्लॉक, राइट, समझो मेरी बात को, इसे बोला जाता है ब्रेकर ब्लॉक। एंड उसके बाद जो ये कंटिन्यू करे, मींस इस तरीके से प्राइस जो है अगेन ऊपर जाए एंड टैप करके गिरे, उसको बोला जाता है मिटिगेशन ब्लॉक। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसे मिटिगेशन ब्लॉक बोला जाएगा, इसे ब्रेकर ब्लॉक बोला जाएगा। इसमें क्या था, इसने जस्ट सेल साइड की लिक्विडिटी ली, ऊपर गया एंड टैप करके अगेन डाउन, बट इसमें पहले बाय साइड लिक्विडिटी देन सेल साइड लिक्विडिटी एंड प्राइस टैप एंड डाउन, दोनों में आप डिफरेंस देख पा रहे हो कितना है, ठीक है। लगते दोनों सेम ही है, बट ब्रेकर ब्लॉक में क्या होता है कि वो पहले बाय साइड लिक्विडिटी लेता है एंड सेल साइड लिक्विडिटी लेता है। ये कहां बोल रहा हूं, बेरिश ब्रेकर ब्लॉक की बात कर रहा हूं। जरूरी नहीं है कि हर बार बाय साइड ही लिक्विडिटी ले, राइट, जस्ट बेरिश ब्रेकर ब्लॉक में बाय साइड लिक्विडिटी लेगा। बुलिश ब्रेकर ब्लॉक की अलग मैं बता रहा हूं, ठीक है, उसको नीचे मैं बताऊंगा, राइट। बट बेरिश ब्रेकर ब्लॉक को आप समझो कि बेरिश ब्रेकर ब्लॉक में पहले इसकी लिक्विडिटी ली, बाय साइड लिक्विडिटी ली, अगर मैं आपको मार्क करके बताऊं, ये जो लिक्विडिटी है इसको प्राइस ने लिया, प्राइस डाउन गया एंड फिर डाउन साइड की ये स्विंग को ले लिया, राइट। तो पहले हाई स्विंग लिया फिर लो स्विंग लिया एंड उसके बाद प्राइस अब जाके इसको टैप कर रहा है एंड डाउन कंटिन्यू कर रहा है एंड इसमें इस तरीके से सेटअप बनता है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। मैं अगेन अगर आपको रिपीट करके बताऊं तो जस्ट सिंपल इतना आप माइंड में रखो कि मिटिगेशन ब्लॉक जो है अगर उसे डाउन जाना है तो बाय साइड की लिक्विडिटी नहीं लेगा, वो बाय साइड के स्विंग तोड़ ही नहीं पाएगा, पहले ही गिर जाएगा। तो इसको भी देखो, तोड़ नहीं पाया पहले ही गिर गया, इसको भी तोड़ नहीं पाया पहले ही गिर गया। बट ब्रेकर ब्लॉक क्या करेगा पता है, ब्रेकर ब्लॉक एक बार बाय साइड लिक्विडिटी लेगा। अगर मैं आपको मार्क करके बताऊं,
ये पहले कुछ इस तरीके से स्मॉल अपसाइड में गया डाउन, राइट, एक बार बाय साइड लिक्विडिटी ली, फिर सेल साइड लिक्विडिटी मिटिगेशन के तौर मिटिगेशन जैसा सेम फॉलो कर रहा है एंड डाउन, जस्ट ये एक बार बाय साइड की लिक्विडिटी लेगा, राइट, एंड फिर सेल साइड लिक्विडिटी, एंड ये जो स्विंग में जो लास्ट सेलिंग कैंडल है वो अपना ब्रेकर ब्लॉक रहेगा। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरी एक बात, ये जो स्विंग है इसके अंदर मान लो सारी कैंडल ब्लैक हुई या रेड हुई क्योंकि ये डाउन साइड आ रहा है, तो ये सारे स्विंग, ये जो पूरा स्विंग है इसके अंदर सारी रेड कैंडल हुई तो उसका 50% वर्क करेगा मीन थ्रेशोल्ड, एंड प्राइस जो है उसको टैप करके गिरेगा। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। एंड प्राइस यहां से गिरेगा, ठीक है, नो डाउट आपका वो पहली कैंडल ब्रेकर ब्लॉक है या मिटिगेशन ब्लॉक है, दोनों में, मिटिगेशन ब्लॉक में भी वैसे सेम बात कर रहा हूँ, अगर मिटिगेशन ब्लॉक में ये जो स्विंग है इसमें सारी रेड कैंडल है तो उसका 50% वर्क करेगा और प्राइस उस 50% को टैप करने जाएगा, ना कि ये पहली कैंडल को, राइट। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बेरिस ब्रेकर ब्लॉक था, ये बेरिस मिटिगेशन ब्लॉक था। ब्रेकर ब्लॉक में जस्ट यही डिफरेंस है कि वो हाई लेता है एंड उसके बाद डाउन साइड लेने के बाद फिर टैप करके गिरता है, राइट। नाउ अगर बुलिश ब्रेकर की मैं आपको बात करूं तो पहले बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक में आपको बता देता हूं, उसके बाद ब्रेकर ब्लॉक समझाता हूं। मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, हाई बनाता है बट वो लो को तोड़ नहीं पाता है, जो पिछला जो लोअर स्विंग था उसको तोड़ नहीं पाता है एंड अगेन हाई को तोड़ देता है, एंड अगेन जब डाउन जाता है तो इसको तोड़ नहीं पाता और यहीं से ऊपर चला जाता है, राइट। इसको बोलते हैं बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक, राइट। बट बुलिश ब्रेकर ब्लॉक क्या करता है, प्राइस जो है एक बार कुछ इस तरीके से नीचे जाएगा, राइट, फिर ऊपर गया, फिर इसको लेगा एंड फिर ये ऊपर जाएगा एंड फिर यहां पर टैप करके अपसाइड। समझो मेरी बात को, इसने पहले क्या किया, सेल साइड लिक्विडिटी ली, फिर बाय साइड लिक्विडिटी ली एंड फिर इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके अपसाइड। नाउ जब ये कंटिन्यू करेगा, अगर मैं आपको बताऊं, जब ये कंटिन्यू करेगा तो इसे मिटिगेशन ब्लॉक बोला जाएगा, राइट। ये मिटिगेशन ब्लॉक होता है जिसमें जस्ट बाय साइड की लिक्विडिटी ली गई है, सेल साइड की ली नहीं गई, राइट। बट इसमें क्या है, सेल साइड भी ली, बाय साइड भी ली एंड टैप करके अपसाइड। आई होप आप ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक के बीच के डिफरेंस को समझ पा रहे हो, मैं बहुत इजी वे में और बार बार रिपीट करके समझा रहा हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे, आप बहुत अच्छे तरीके से इसे समझ पाओ, है ना। नाउ हम इसे एक बार चार्ट पर मार्क कर लेते हैं जिससे आप और बेहतर तरीके से समझ पाओ एंड इसे कहाँ पर एग्जैक्ट यूज करना है वो भी आप समझ पाओगे, राइट। नाउ हम चार्ट पर मूव करते हैं, अभी हम निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट पर हैं और निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट पर हम ब्रेकर ब्लॉक को मार्क करेंगे। एक्चुअली मैंने ये वही चार्ट लिया हुआ है जिसके अंदर मैंने मिटिगेशन ब्लॉक मार्क किया था। इसका लेने का रीजन यही है कि एग्जैक्ट आपको मैं बता पाऊँ कि मिटिगेशन ब्लॉक एंड ब्रेकर ब्लॉक में कितना डिफरेंस रहता है और आप उसको सही तरीके से समझ पाओ। देखो ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक या रिक्लेम ब्लॉक या रिजेक्शन ब्लॉक, जो कुछ भी ब्लॉक है वो हर जगह आप यूज करो वो जरूरी नहीं है, उसके पीछे एक रीजन होना चाहिए हायर टाइम फ्रेम का, राइट। एक कॉन्टेक्स्ट उसके पीछे होना चाहिए, उसका एक सपोर्ट होना चाहिए हायर टाइम फ्रेम का, तो वो एग्जैक्ट वर्क करते हुए आपको दिखेंगे। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये प्रीवियस डे का हाई है, राइट, जिसे इसने ग्रैब किया, मार्केट ओपन हुआ, प्रीवियस डे के हाई को हंट किया, ठीक है, ठीक है, हाई ग्रैब होते ही प्राइस डाउन साइड गया। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो पहले क्या हुआ, इस स्विंग का हाई लिया गया, मींस बाय साइड लिक्विडिटी BSL लिया गया, राइट। ये स्विंग कुछ इस तरीके से था, बाय साइड लिक्विडिटी ली गई एंड उसके बाद सेल साइड लिक्विडिटी ली गई। ध्यान से अगर आप देखोगे, सेल साइड लिक्विडिटी, राइट, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, प्राइस अपसाइड गया, ब्रेकर ब्लॉक विद FPG को टैप किया एंड डाउन, साथ ही साथ डबल कंफर्मेशन क्या था, प्रीवियस डे का हाई ग्रैब हुआ है, राइट। तो ये डबल कंफर्मेशन था और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी कंप्लीट हुआ था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाली एंट्री भी बनी हुई थी, राइट। तो इसके अंदर हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप बना था, ठीक है, ट्रिपल कंफर्मेशन इसके अंदर हमें मिला गया था, राइट। तो इस जगह पर अगर हम ब्रेकर ब्लॉक को प्ले करें तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं उसको समझो।
ये ब्रेकर ब्लॉक का ब्लॉक है पूरा का पूरा, राइट। एंड इसके साथ ये जो एफिजी है वो क्या हो रही है, ओवरलैपिंग। तो ये पूरी की पूरी एफिजी यहाँ पर ली जाएगी, राइट। एंड ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक का ब्लॉक है। एंड नाउ ये आपका एग्जैक्ट सेटअप बनता है। अगर आप स्टॉप लॉस ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर रखना चाहो तो वो आप रख सकते हो, या फिर ये जो लास्ट एफिजी पॉइंट था इसके अबाव रखो, एंड जो आप टारगेट रखना चाहो, राइट। देखो टारगेट एक्चुअली प्रीवियस डे का हाई स्वीप हुआ है, तो प्रीवियस डे का लो आप टारगेट रख सकते हो, ठीक है। ये वाला, ये आप अपने टारगेट को रख सकते हो। हाई प्रोबेबिलिटी यही है कि प्रीवियस डे के लो को हंट करें, एंड वही यहाँ पर होते हुए आपको दिख रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो ये आपका ब्रेकर ब्लॉक वाला जो ट्रेड है वो यहाँ पर आपको बना, ठीक है। बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, और इसके साथ हाई प्रोबेबिलिटी जो बैकअप था वो था कि प्रीवियस डे के हाई का लिक्विडिटी ग्रैब होना, ठीक है। तो एक कॉन्टेक्स्ट ब्रेकर ब्लॉक के साथ होना चाहिए, मीन्स अगर हम जो कोई भी ब्लॉक यूज कर रहे हैं तो उसके पीछे एक रीजन होना चाहिए, तभी वो आपको वर्क करता हुआ दिखेगा। आप हर जगह गए, चार्ट ओपन किया एंड ब्रेकर ब्लॉक दिखा, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, कोई मतलब नहीं है उसका। सीधी सी बात है, कोई मतलब नहीं है उसका। रीजन होना चाहिए, कोई लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, राइट, या कोई POI आपका बना हुआ है, ठीक है, 30 मिनट का POI या हायर टाइम फ्रेम का POI, कुछ भी बना हुआ है, वहां पर अगर आपको ये सेटअप दिखता है तो आप इसे प्लान कर सकते हो, राइट। यहाँ पर मुझे ये सेटअप दिखा, मैंने इसको प्लान किया। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे, प्राइस डाउन गया, अगेन अप गया, एंड अब ये मिटिगेशन ब्लॉक बना, राइट। एंड ये वाला भी आप स्विंग को लेना चाहो तो ये मिटिगेशन ब्लॉक, फर्स्ट सेकंड, पहले ब्रेकर ब्लॉक बना बाय। अब जरूरी नहीं है कि मिटिगेशन ब्लॉक के पहले हर बार ब्रेकर ब्लॉक बने, नहीं, ये समटाइम्स ऐसा होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ब्रेकर ब्लॉक बनेगा तभी मिटिगेशन ब्लॉक बनेगा, नहीं, मिटिगेशन ब्लॉक एक अलग भी बन सकता है। ये मैं इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है और ये दोनों सेम दिखते हैं, तो डिफरेंस क्या है इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। अगर एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो अभी हम बैंक निफ्टी के 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, और अगर आप यहां पर देखोगे तो एक बड़ी बाइंग अपसाइड में आ रही थी, राइट। बट अगर इसका जो हाई एक्सट्रीम वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था वो एग्जैक्ट यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर है, ये 1 मिनट का चार्ट है। अगर आप 15 मिनट में या 5 मिनट में जाओगे ना, तो एक्सिम वाला ऑर्डर ब्लॉक है जिसको ये टैप करने आ रहा था, एंड ये ऑर्डर ब्लॉक का मैं मेन थ्रेशोल्ड लेता हूँ, राइट। ओके, मैं अगर इसका मेन थ्रेशोल्ड लूँ तो आप अगर यहाँ पर समझोगे ध्यान से, देन एग्जैक्ट मेन थ्रेशोल्ड टैप हुआ, राइट। टैप होते ही प्राइस जो है डाउन साइड ड्रॉप हुआ। अगर आप ध्यान से देखो, डाउन साइड क्या हुआ, ड्रॉप हुआ। साथ ही साथ इसके अंदर प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी यहां पर थी जिसको इसने ग्रैब किया, प्राइस ऊपर रिटेस्ट करने गया। रिटेस्ट कहां करने गया, इस लेग में सबसे एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक कहां पर है, ये एक स्मॉल एफजी और ये इनसाइड बार के पहले वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। अगर आप ध्यान से देखोगे, एंड यहाँ पे स्मॉल एफजी। नाउ अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या बना हुआ है, मैं इसे थोड़ा रिमूव कर देता हूँ जिससे आप सही तरीके से समझ पाओ। बाय साइड लिक्विडिटी, राइट, एंड सेल साइड लिक्विडिटी। ओके, अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे, आप तीनों कैंडल को ब्लैक देख रहे हो, राइट, या सेलिंग कैंडल भी आप, अगर आपके अंदर रेड कलर का होगा तो आप सेलिंग कैंडल देखोगे, मेरे अंदर सेलिंग कैंडल ब्लैक कलर की है, राइट। तो ये ब्लैक कैंडल तीनों है, राइट। जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर सारी कैंडल ब्लैक है तो आप उसका मेन थ्रेशोल्ड वाला पार्ट भी ले सकते हो, राइट, या सारी कैंडल ग्रीन है तो आप उसका मेन थ्रेशोल्ड वाला पार्ट ले सकते हो। नाउ ये कुछ इस तरीके से मेन थ्रेशोल्ड यहाँ पे बन रहा है, एंड प्राइस जो है इसी को टैप करके गिर रहा है, मेन थ्रेशोल्ड को नहीं लिया, यहीं से टैप करके गिर रहा है। कौन से वाले को, इस वाले को, एंड ये आपका ब्रेकर ब्लॉक वाली एंट्री बनी। एंड आप इसके अबाव स्टॉप लॉस रखना चाहो तो वो आप रख सकते हो। एंड जैसा आपने देखा कि ये एक्सट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने आया था, मींस इसके टारगेट क्या है, लंबे टारगेट है, और लंबे टारगेट में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोई एफिजी नहीं है, राइट, जस्ट यहाँ पे एक स्मॉल एफिजी है, ये वाला आप इसको टारगेट रख सकते हो। एंड ये एग्जैक्ट आपका ब्रेकर ब्लॉक और यहाँ पे इसका ये टारगेट है। देखो मैं जहां पर यूज कर रहा हूं उसके पीछे एक रीजन है, ध्यान से समझोगे तो उसके पीछे एक रीजन है। मैं हर जगह नहीं बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी मारो सेल, नहीं, एक रीजन है। एक्सट्रीम वाले POI आ जाना, हायर टाइम फ्रेम के POI आ जाना, प्रीवियस डे हाई लो की लिक्विडिटी क्रैप करना,
ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ग्रैप करना या डेली टाइम फ्रेम की, मंथली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ग्रैप करना, तो एक रीजन होना चाहिए हायर टाइम फ्रेम का, तब जाके आपको ये सारी चीजें वर्क करते हुए दिखेंगे। नो डाउट बहुत लोगों ने ये सारी चीजें सीखी हुई है, राइट, कुछ लोग आधे से चले भी गए होंगे बट उन्हें यूज करते नहीं आता। जो लोग आपको सिखाते हैं वो खुद यूज नहीं करते तो क्या आपको सिखाएंगे, उनका काम है जस्ट आपको ये कुछ ब्लॉक सिखा देना, राइट, आप खुद यूज करो, जैसे यूज करना चाहो वैसे यूज करो, उन्हें जस्ट अर्निंग से मतलब है। सीधी सी बात है, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या वो वाकई में कर रहा है ना। मैंने आपको एग्जैक्ट रीजन बताया कि किस जगह करना है, क्योंकि ये मैं खुद करता हूँ फॉरेक्स में, राइट, मेरा डेली टाइम जस्ट चार्ट में ही निकल जाता है। दैट्स वाई मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि जब आप यूज करो तो हायर टाइम फ्रेम को देखो कि आपकी लिक्विडिटी कहाँ कहाँ है और कौन सी हंट हो रही है और वहां से किस जगह ये जाता हुआ आपको दिख सकता है। आई होप मैंने आपको ब्रेकर ब्लॉक सही तरीके से समझाया हो कि ब्रेकर ब्लॉक किसे बोलते हैं और ये किस तरीके से आपको वर्क करता हुआ दिखेगा, राइट। नाउ हम नेक्स्ट ब्लॉक पे चलते हैं। नाउ हम समझते हैं कि रिजेक्शन ब्लॉक होता क्या है और रिजेक्शन ब्लॉक को हम किस तरीके से मार्क कर सकते हैं। अगर हम बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक पहले देखें तो प्राइस जो है कुछ इस तरीके से अपसाइड जाएगा, राइट, एंड अपसाइड जाने के बाद प्राइस अगेन डाउन आएगा, एंड डाउन जाने के बाद ये जो वीक है उसको टैप करेगा एंड प्राइस गिर जाएगा। सिंपल वे में बताओ तो प्राइस जो है यहाँ से अप गया, अप जाने के बाद जब वो डाउन कर्व हुआ, राइट, नीचे की तरफ उसे टर्न लिया, तो उस टर्निंग पॉइंट पर बहुत सारी वीक बना दी। देखो एक वीक हायर टाइम फ्रेम की बड़ी वीक हो तो एक वीक चलेगी, बट अगर लोअर टाइम फ्रेम में है देन आप दो वीक कम से कम होनी चाहिए। मैं अगर आपको सीरियसली बताऊं अपने एक्सपीरियंस से तो दो वीक कम से कम होनी चाहिए। अगर मल्टीपल वीक्स हैं देन बहुत बढ़िया है, राइट, बट कम से कम दो होनी चाहिए इन लोअर टाइम फ्रेम, राइट। हायर टाइम फ्रेम है लाइक 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, तो उस केस में 1 वीक होगी तो भी चलेगा, राइट। अब प्राइस जो है यहाँ से ऊपर गया, डाउन गया, यहाँ पर वीक बनाई एंड प्राइस जो है अबव जाएगा एंड ये जो वीक वाला जोन है यहाँ से प्राइस गिर जाएगा। नाउ इसका रूल क्या है वो समझो, ये जो वीक है, राइट, इस वीक के 50% के ऊपर अगर बॉडी क्लोज होती है देन ये ट्रैप है, इसके अंदर मत पड़ो। इसकी प्रोबेबिलिटी फिर क्या हो जाएगी पता है, 90% फेल होगा, 10% ही वर्क करेगा। हाँ, बट ये मीन थ्रेशोल्ड के अबाव बॉडी क्लोज नहीं कर पाती है देन उल्टा हो जाएगा, 99% ये वर्क करेगा, 1% फेल हो जाएगा या 5% जो भी फेल होना है वो होगा, राइट। बट जहां मैं बताऊं कि बायस देख के या वो कहां जाने वाला है प्राइस या हायर टाइम फ्रेम के पीओआईस वगैरह देख के अगर हम इसे यूज करें तो फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, राइट। तो हमें एक रीजन पता होना चाहिए हायर टाइम फ्रेम का, राइट। आई होप आपको पता चल गया हो कि बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है। साथ ही साथ मैं आपको बुलिश भी बता देता हूँ। प्राइस जो है डाउन गया, फिर एक स्विंग बनाया एंड स्विंग बनाते वक्त यहाँ पर विक्स बना दी बड़ी बड़ी, राइट, एंड प्राइस जो है इस वीक को टैप करता है एंड अपसाइड चला जाता है। एंड ये जो वीक है ये वीक आपका एक जोन रहेगा एंड प्राइस जो है इस तरीके से इसको टैप करके यहाँ से एक बाइंग सेटअप देगा, राइट, एंड इसके बिलो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। सेम चीज है, आपको बस 50% जो है बॉडी क्लोज नहीं होनी चाहिए, राइट। अगर आपके मीन थ्रेशोल्ड के बिलो बॉडी क्लोज हो गई देन ये फेक है, जैसे इतना माइंड में रखना, राइट। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो कि रिजेक्शन ब्लॉक है क्या एंड रिजेक्शन ब्लॉक किस तरीके से वर्क करता है। मैं इसको आपको चार्ट में भी बढ़िया तरीके से बता देता हूँ, जैसे आपको सिंपल समझना है कि लोअर टाइम फ्रेम है लाइक 1 मिनट, 2 मिनट, ठीक है, या 3 मिनट है तो हमें मल्टीपल वीक्स चाहिए एंड अगर उसके अबाव है लाइक 13 मिनट हुआ, 1 आवर हुआ, ठीक है, 2 आवर हुआ, 4 आवर हुआ, डेली हुआ, तो वहां पर सिंगल वीक होगी तो भी चलेगा, क्योंकि वो वीक जो है हायर टाइम फ्रेम की है, राइट, और उसमें टाइम लगता है हायर टाइम फ्रेम की वीक बनने में तो वो स्ट्रांग होती है। दैट्स वाई वहां पे एक वीक चलेगी एंड लोअर टाइम फ्रेम में जो है वहां पे आप छोटे वीक्स भी रहेंगे, लाइक लोअर टाइम फ्रेम में मतलब छोटे वीक्स रहेंगे चलेगा, बट बहुत सारे वीक होने चाहिए, 2 से ज्यादा, राइट, कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, अगर 2 से ज्यादा है तो वेल एंड गुड है, राइट। आई होप आप समझ गए हो रिजेक्शन ब्लॉक होता क्या है। वीक जो होती है, स्विंग बनता है, वहां पे जो वीक बनती है, बॉडी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वीक की बात कर रहा हूं, वो वीक सेलिंग कैंडल की हो, बाइंग कैंडल की, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें जस्ट वीक को देखना है, राइट। वीक का 50% जो है अगर उसके बिलो बॉडी चली गई, ठीक है, 50% के जो फील कर दिया अगर बॉडी, देन वो फेल हो जाएगा। बट अगर उसके लाइक मान लो ये बुलिश है,
ठीक है, बुलिस रिजेक्शन ब्लॉक है, तो इसके 50% के अबाव ही बॉडी है क्लोज नहीं कर पा रही इसके बिलो, देन ये वर्क करेगा। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ हम चार्ट पर चलते हैं एंड रिजेक्शन ब्लॉक को फाइंड करते हैं, ये कैसे वर्क करता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी हम बैंक निफ्टी के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर हैं और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम रिजेक्शन ब्लॉक को मार्क करेंगे और उसमें कैसे ट्रेड प्लान करते हैं उसको हम समझेंगे, राइट। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये प्रीवियस डे की क्लोजिंग है जो यहाँ पर हुई है 3:15 को, राइट, एंड 30 मिनट की कैंडल है तो ऑब्वियसली बात है 3:15 को एक छोटी कैंडल एंड वाली बनती है, वो 15 मिनट की ही रहती है क्योंकि टाइम हमारे 6:30 घंटे का है, राइट, 6:45 जो भी है, तो उसकी वजह से लास्ट वाली कैंडल सिर्फ 15 मिनट की ही रह जाती है, यहाँ पर क्लोजिंग हुई। अब नेक्स्ट डे जो मार्केट है वो ओपन होता है एंड यहाँ पर जो रिजेक्शन ब्लॉक है, राइट, ये वाला, इस रिजेक्शन ब्लॉक को लेता है। मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर लोअर टाइम फ्रेम हो उसके अंदर हमें कम से कम 2 वीक चाहिए, राइट, बट अगर हायर टाइम फ्रेम है लाइक 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, वहाँ पर 1 वीक होगी तो भी चलेगा, राइट, बट यहाँ पर 2-2 थी और ये स्ट्रॉन्ग कंडीशन थी जहाँ पर हम सेल कर सकते थे, राइट। एंड जब आप यहाँ पर देखोगे तो एग्जैक्ट प्राइस इधर से रिजेक्शन ले रहा है एंड यहाँ पर हमारा सेटअप बनता है। आपको बस ये एक बात ध्यान में रखना है कि जो रिजेक्शन ब्लॉक में जो सेटअप होते हैं उनके स्टॉप लॉस बहुत छोटे होते हैं एंड उसके पीछे आपको कंपेटिटिव रीजन चाहिए होता है तभी आप इसमें ट्रेड लो, राइट। एंड उसके अंदर जो ट्रेड बनते हैं उसमें तभी आप लो जब आपका सारे ऑर्डर ब्लॉक या सारे एफपीजी जो है फिल हो गए हो, या तो वहां पर ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी हो ही ना, जस्ट एक रिजेक्शन ब्लॉक बचा हुआ हो या फिर कोई लिक्विडिटी लाइक प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी वहां पर हो, तब आप उसे प्लान करो और वहां पर ये एग्जिट वर्क करता हुआ दिखेगा। ये पहला सेटअप था जिसमें आप ऐसे प्लान कर सकते थे, लोअर टाइम फ्रेम पर जब आप जाओगे तो आपको कंप्लीट रीजन मिल जाएगा सेल करने के लिए, राइट। नाउ जब आप यहाँ पर देखोगे तो प्राइस जब इस जगह पे जाता है तो यहाँ पर पहले प्राइस अपसाइड में गया, डाउन आया एंड अगेन अपसाइड गया। नाउ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 30 मिनट की एक वीक एंड 30 मिनट की सेकेंड वीक, अगर आप इसका मेन थ्रेशोल्ड लेते हो कुछ इस तरीके से, तो मेन थ्रेशोल्ड के अबाव एक भी बॉडी क्लोज नहीं कर पाई, राइट। तो यहाँ पर आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते थे एंड ये जो स्टॉप लॉस है आप यहाँ पर रखते एंड जो टारगेट है वो आप ये लिक्विडिटी को हंट करने के लिए रख सकते थे या फिर इसके बिलो जो ये वैक्यूम ब्लॉक है उसको आप रख सकते हो, राइट। एंड यहाँ तक का आप इस तरीके से टारगेट प्लान कर सकते हो और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एग्जैक्ट प्राइस जो है यहाँ तक आ भी रहा है। ये हमारा सेकेंड जो है रिजेक्शन ब्लॉक था। आई होप सेकेंड रिजेक्शन ब्लॉक भी आपको समझ में आया हो। नाउ जो है हम थर्ड रिजेक्शन ब्लॉक पर अगर हम जाएं तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो लोअर टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में चेंज हो चुका है। अब ध्यान से समझो, एक्चुअली फ्रैक्टल नेचर होता क्या है वो समझो। देखो अगर हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड चेंज होना है तो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले लोअर टाइम फ्रेम पे अपने रंग दिखाएगा, लोअर टाइम फ्रेम पे अपने ट्रेंड को चेंज करेगा। मीन्स अगर वो 30 मिनट पे चेंज कर रहा है तो उसको पहले 15 मिनट पे चेंज करना पड़ेगा, उससे पहले 10 मिनट पे, उससे पहले 5 मिनट पे, उससे पहले 3 मिनट, उससे पहले 1 मिनट। तो लोअर टाइम फ्रेम हमें क्लियर बता देता है कि भाई अब माहौल गड़बड़ाने वाला है। आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट। आप हायर टाइम फ्रेम को इग्नोर नहीं कर सकते बट लोअर टाइम फ्रेम आपको एक साइन दे देता है और वो कहाँ देता है, हायर टाइम फ्रेम के POI पर, राइट। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये 30 मिनट की एक वीक है एंड ये भी वीक है, राइट, एंड ये बहुत सारी मल्टीपल वीक्स यहाँ पर हो चुकी है, राइट, मल्टीपल रिजेक्शन ब्लॉक यहाँ पर बने हैं एंड ये वीक जब आप मार्क करोगे इस तरीके से, राइट, एंड जब आप इसका मेन थ्रेशोल्ड वाला पार्ट मार्क करोगे, मेन थ्रेशोल्ड वाला पार्ट ये वीक से लेके ये वीक तक, ठीक है, जब आप यहाँ पर मार्क करोगे तो एग्जैक्ट जो है डॉट टू डॉट वर्क हुआ, प्राइस जो है डाउन आया, इसको टैप किया एंड सेटअप जो है कुछ इस तरीके का बना। नाउ आप समझो कि ट्रेंड ऑलरेडी चेंज हो चुका है तो टारगेट क्या होगा, समझो बात को, टारगेट क्या होगा, IDM और उसके बाद वाला पहला POI जहां से सेल वापस आने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया था कि IDM के बाद पहले POI से सेल करना होता है इन डाउन ट्रेंड, राइट, तो पहला POI आपका टारगेट रहेगा जो ये एक स्मॉल FPG था। आप यहां पर भी FPG के टारगेट रख सकते हो, राइट, कुछ इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर भी एक स्मॉल FPG है बट वो इनसाइड बार है, दैट्स व्हाई मैंने इसको नहीं लिया, बाकी जैसे आप कहें, राइट, ओके। नाउ ये एग्जैक्ट जो सेटअप है वो यहाँ पे वर्क करता है एंड जो टारगेट है डन होने के बाद प्राइस डाउन साइड में जा रहा है, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये रिजेक्शन भी वर्क किया। नाउ प्राइस अगेन ड्रॉप हुआ एंड अगेन कहाँ पर आया, एग्जैक्ट
रिजेक्शन ब्लॉक पे, मैं इसे थोड़ा हटा देता हूँ टारगेट वाले पार्ट पर, राइट। एग्जैक्ट कहाँ पर आया? रिजेक्शन ब्लॉक पे। नाउ रिजेक्शन ब्लॉक का हम मेन थ्रेशोल्ड लेते हैं, राइट। अगर आप ध्यान से देखोगे डॉट टू डॉट वर्क हुआ, ये आपका मेन थ्रेशोल्ड वाला पार्ट है, एंड आप यहां पर ट्रेड प्लान कर सकते हो। एंड सेम चीज जो टारगेट रहेगा स्मॉल रहेगा क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक राइट वहीं तक टारगेट रहेगा। या आईडीएम के अभाव जो कोई पीओआई रखना चाहते हो बट एक्चुअली में कोई पीओआई है ही नहीं, तो आप ऑर्डर ब्लॉक तक ही टारगेट रखो। एंड ये ऑर्डर ब्लॉक तक प्राइस ने मूव दे दिया। आप अगर देखोगे तो कंटिन्यू तीनों रिजेक्शन ब्लॉक वर्क हुए, ऐसा नहीं है कि एक ही रिजेक्शन ब्लॉक वर्क हुआ, ये भी वर्क हुआ, ये भी वर्क हुआ, ये भी वर्क हुआ, राइट, ये भी वर्क हुआ। सेम यही टाइम फ्रेम पे एक ही चार्ट पे मैं इतने सारे रिजेक्शन ब्लॉक आपको बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर प्राइस ने वर्क किया है। हाँ, इसके पीछे आपको एक लॉजिक समझना, वो ये है कि आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। सिंपल वे में डायरेक्शन कहाँ का है, जैसे मुझे पता था कि डायरेक्शन डाउन का है तो ये जो ट्रेड है ये छोटे टारगेट का रहेगा। अब आप यहाँ पे लगा के बैठे रहो और फिर बोलो कि नीलेश भाई स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसमें आपको भगवान भी नहीं बचा सकता। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? आपको भगवान भी नहीं बचा सकता। आपको आपके टारगेट पता होने चाहिए, आपको आपका डायरेक्शन पता होना चाहिए। जो मुझे पता है, जो मैंने आपको समझाया है कि किस तरीके से पता करना है, ये आपको एक्सपीरियंस सिखाएगा। आप एक बार में सोचोगे आ जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं बनता, राइट। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही हो। देखो मैं कहाँ पर टारगेट बड़े रख रहा हूँ, कहाँ पर टारगेट छोटे रख रहा हूँ, उसको समझो। काउंटर ट्रेड की जगह पर छोटे टारगेट रख रहा हूँ, लेकिन जहाँ टारगेट बड़े दे रहे हैं वहां पर मैं बड़े टारगेट रख रहा हूँ, राइट। आई होप आपको रिजेक्शन ब्लॉक समझ में आया हो। नाउ नेक्स्ट लास्ट वाले ब्लॉक पे हम चलते हैं जिसे बोलते हैं रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक। नाउ हम समझेंगे कि रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। डायरेक्ट रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक पे जाने से पहले मुझे आपको एक बात बतानी है कि ये लेक्चर के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे एप्लीकेशन का लिंक है, कॉमेंट बॉक्स में भी मैं उसे पिन कर दूंगा, आप उसको डाउनलोड करो। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो आपको एक इंटरफेस दिखेगा। इंटरफेस में लेफ्ट साइड में जब आप जाओगे, लेफ्ट साइड में ऊपर की बात कर रहा हूँ, अगर लाइक आपका मोबाइल कुछ इस तरीके से है तो इस वाले पार्ट में आपको थ्री लाइन दिखेगी इस तरीके से, और थ्री लाइन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो फ्री मटेरियल का ऑप्शन होगा और उसके अंदर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। इवन ये जो लेक्चर मैं अभी अपलोड करने वाला हूँ इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो प्लीज आप वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दो, आपको पीडीएफ बहुत हेल्प करेगी। बिकॉज समटाइम्स हम लेक्चर में कुछ समझ नहीं पाते हैं तो पीडीएफ में बहुत बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, बुक्स में जो है हम बहुत बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। और काफी कमेंट्स मैंने देखे जो पाकिस्तान के बंदे हैं या कहीं और कंट्री के बंदे हैं वो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो डायरेक्ट मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको अदर कंट्री के लिए एक अलग एप्लीकेशन दे दूंगा, राइट। तो जो इंडिया के पर्सन है वो डिस्क्रिप्शन से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, एंड जो अदर कंट्री के पर्सन है वो मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वहां पर मैसेज करना, मैं आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा फॉर अदर कंट्री के लिए, राइट। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, ये आपके हेल्प के लिए ही है। आप मुझे जब चैट में मैसेज भी करोगे ना तो मैं आपके डाउट भी सॉल्व कर दूंगा। एक्चुअली बहुत सारे मैसेज आते हैं बट ऑलमोस्ट 90% मैंने मैसेज जो है सॉल्व कर दिए हैं, 10% बचे हुए उनको भी मैं रिप्लाई दे दूंगा। तो अगर आपको मुझसे पर्सनली बात भी करनी है, कोई डाउट सॉल्व करवाना है, तो वो भी आप वहां पे करवा सकते हो। आई होप मेरी बातों को आप समझ चुके हो। नाउ हम रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक को समझते हैं कि रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। देखो रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक लाइक एक मार्केट मेकर बाय मॉडल और सेल मॉडल जो है, आपने कई बार नाम सुना होगा, अगर किसी ने नहीं सुना है तो उस पर एक एडवांस में लेक्चर आने वाला है, वो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बट डायरेक्टली उसको स्टार्ट करना सही नहीं है। मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ आईसीटी को, इसलिए मैंने पहले आपको सारे ब्लॉक्स लर्न करवाए। तो ये रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक जो है मार्केट मेकर बाय मॉडल और मार्केट मेकर सेल मॉडल, इनके बेसिक्स पर है, राइट। अगर आपको मैं बताऊँ मार्केट मेकर बाय मॉडल क्या होता है, प्राइस जो है इस तरीके से ऊपर जाता है, अगेन ऊपर जाता है, राइट, एंड सडनली जो है डाउन साइड में ड्रॉप होता है एंड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देता है एंड फिर अगेन डाउन साइड में चला जाता है। तो यहाँ पर टोटल टू कर्व देखने को मिले, फर्स्ट अपसाइड एंड सेकंड डाउन साइड, राइट। टू कर्व बनते हैं एंड वहां पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है एंड प्राइस डाउन साइड जाता है, राइट। तो रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक जो है मार्केट मेकर बाय मॉडल और सेल मॉडल पे ही बना हुआ है, जस्ट वो उसका बेसिक्स है। तो उतना मार्केट मेकर बाय मॉडल और सेल मॉडल पर डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, उसका लेक्चर मैं आने वाले पार्ट में लेकर आऊंगा। तो आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। जस्ट अभी हमें रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक समझना है, सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। मैं रेडी हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए, जस्ट स्टेप बाय स्टेप इसको मास्टर करो। अगर बेसिक्स मास्टर कर लेते हो बिलीव में एडवांस लर्न करवाने में मुझे मजा आएगा, नहीं तो फिर एक ही बार 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 रिपीट करने में मुझे मजा नहीं आता, राइट।
तो दैट्स वाई मैं आपको कह रहा हूँ कि जस्ट बेसिक्स मास्टर करो, राइट। नाउ हम रिक्लेम ऑर्डर बुक को समझते हैं। देखो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, जब प्राइस अपसाइड में जाता है, ठीक है, इस तरीके से अपसाइड में जा रहा है, तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बनने लगते हैं, एक ऑर्डर ब्लॉक बनने लगते हैं। जैसा कि अगर मैं आपको बताऊं कि जो इंस्टीट्यूशनल वाले लोग हैं या बिग प्लेयर्स जो लोग हैं या हेजिंग फंड वगैरह लोग हैं, ठीक है, बिग प्लेयर्स जो भी हैं, बिग प्लेयर्स जो हैं या बैंक्स वगैरह जो हैं, वो उनके अमाउंट बहुत बड़े होते हैं तो कहीं पे भी वो ऑर्डर फिल नहीं करते, वो पहले से ही ऑर्डर फिल करना स्टार्ट कर देते हैं, मीन्स पहले से ही बाय करना या सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड उसके वजह से होता क्या है कि जो प्राइस एक्शन है उसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो धीरे धीरे ऑर्डर ब्लॉक जो है बनने के बाद जब प्राइस टर्न लेता है तब वो रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा डेप्थ में, बट इसके पीछे का लॉजिक यही है कि प्राइस जब यहाँ से वो अपसाइड में जाते हैं तो वो लोग ये सेल में जो है पोजिशन बनाने लगते हैं, या ये जो बाय है काउंटर ट्रेड देने लगते हैं, और काउंटर ट्रेड में अपनी पोजिशन बनाने के बाद एक ऑर्डर ब्लॉक फिल ऑर्डर ब्लॉक जो है बनता है, एंड प्राइस जो है डाउन आने के बाद इन्हीं ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके गिरता रहता है, राइट। तो मैं इसको थोड़ा डेप्थ में समझाऊंगा, बट पहले लॉजिक को समझो। प्राइस धीरे धीरे अप जा रहा है एंड यहाँ पे एक हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है जहां से प्राइस टर्न लेके रिटर्न होने वाला है। ध्यान से समझना, मार्केट मेकर बाय मॉडल एंड मार्केट मेकर सेल मॉडल, दोनों के अंदर एक हायर टाइम फ्रेम का पीओआई होना चाहिए, 4 आवर का हो या डेली का हो या 1 आवर का हो, प्राइस उसको टैप करके रिटर्न होगा। ये इस तरीके से वर्क करता है। मैं अगर आपको सिंपल वे में बताऊं तो लाइक ये आपका एक पीओआई है एंड प्राइस जो है, जस्ट 2 मिनट, प्राइस इस तरीके से अब जा रहा है। अब बिग प्लेयर को पता है कि यहाँ से हमें डाउन साइड में ले जाना है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पहले से ही ऑर्डर बनाने लगते हैं, राइट, ऑर्डर फिल करने लग जाते हैं, हेज करके चलते हैं, वो काउंटर ट्रेड के लिए लोगों को एग्रेसिव करते हैं, राइट। एंड सडनली इस तरीके से होता है एंड प्राइस डाउन जाने लगता है, प्राइस डाउन जाने लगता है। सेम चीज आपको डाउन ट्रेंड में भी देखने को मिलेगी, प्राइस में लाइक नीचे इस तरीके से पीवाई होगा एंड ये डाउन ट्रेंड में मार्केट जा रहा है, राइट। एंड बिग प्लेयर को पता है कि हमें यहाँ से टर्न लेना है, तो वो यहीं से ऑर्डर फिल करने लगेंगे एंड रिटेलरों को ट्रैप करेंगे एंड फिर सडनली प्राइस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा एंड प्राइस अपसाइड में जाएगा, राइट। तो ये इसके पीछे का लॉजिक है कि एक हायर टाइम फ्रेम का जब पीओआई आ जाता है तब इस तरीके के 2 कर्व बनते हैं, सेल एंड बाय, एंड अप ट्रेंड में जब वो पीओआई होता है तो बाय एंड फिर सेल, राइट। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। इस तरीके के मार्केट मेकर मॉडल बनते हैं, इस पर मैं डेप्थ में लेक्चर लाऊंगा, राइट, बट उसका एक टाइम है, जब जरूरत होगी तब मैं लाऊंगा, राइट। अभी फिलहाल हमें जो सीखना है वो जरूरी है और हम अभी उसी को सीख रहे हैं, राइट। अब इसमें होता क्या है कि जब ये ऑर्डर ब्लॉक जो होते हैं वो टूटते जाते हैं, और जब अपसाइड सेकेंड जो कर्व होता है, लाइक यहाँ पर ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये टूट गया, राइट, या फिर ये इधर जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, मैं अगर आपको एग्जैक्ट बताऊं तो जब प्राइस डाउनसाइड जाने को होता है तो उसके अंदर आपको अपसाइड में ऑर्डर ब्लॉक बनेंगे। ध्यान से समझो, रूल याद रखना, प्राइस डाउन जा रहा है तो यहाँ हाई पे ऑर्डर ब्लॉक बनेंगे, राइट। एंड प्राइस अगर अप जा रहा है, जस्ट 2 मिनट, प्राइस अगर इस तरीके से अप जा रहा है एंड सडनली फिर डाउन हो रहा है तो उसमें ऑर्डर ब्लॉक आपको बनेंगे डाउन साइड में, ये स्विंग के लो पे ऑर्डर ब्लॉक बनते हुए दिखेंगे। ओके, जस्ट 2 मिनट, इस लो पे आपको ऑर्डर ब्लॉक बनते हुए दिखेंगे। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। प्राइस डाउन आ रहा है और डाउन से ऊपर जाने वाला है, तो डाउन जब आता है तो उसमें स्विंग के हाई पे ऑर्डर ब्लॉक बनेंगे और उस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके प्राइस अपसाइड में जाएगा कुछ इस तरीके से, राइट। एंड इसमें जो है इस तरीके से डाउन में बनेंगे, राइट, एंड प्राइस जो है इसको टैप करके गिरेगा। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। मैं अगर आपको सही तरीके से समझाऊं डेप्थ में कि रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, तो जस्ट 2 मिनट, ओके, प्राइस जो है इस तरीके से यहाँ पर अपसाइड जा रहा है, मैं जस्ट इसे रिमूव कर देता हूँ। प्राइस इस तरीके से अपसाइड जा रहा है, डाउन आया, अब यहाँ पे एक पीओआई है, राइट, 30 मिनट का, तो प्राइस पीओआई पर जाने वाला है और बिग प्लेयर को पता है कि पीओआई नजदीक है, वो यहाँ पर ब्लॉक जो ऑर्डर है वो फिल होने लगते हैं, मीन्स उनके जो ऑर्डर है वो प्लेस होने लगते हैं एंड यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं, यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं, राइट। एंड ये जो प्राइस है धीरे धीरे अप जा रहा है, ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, एंड सडनली जब टर्न लेता है, मीन्स अप साइड से डाउन साइड में जा रहा है, तो उस केस में लेफ्ट साइड में आपको रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक स्विंग के हाई पे मिलेगा, राइट। एंड डाउन से प्राइस अप जा रहा है तो उस केस में आपको लेफ्ट साइड में रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा स्विंग के लो पे,
राइट। जब अप जाके डाउन आ रहा है तो स्विंग के हाई पे लेफ्ट साइड, एंड जब डाउन जाके अप जा रहा है तो स्विंग के लेफ्ट साइड में स्विंग के लो पर डाउन साइड। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। नाउ इसे थोड़ा और डेप्थ में समझते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। देखो ये एक 30 मिनट का POI है, प्राइस धीरे धीरे डाउन जा रहा, डाउन आया, अब ये एक स्विंग बनाया, राइट। देखो नीचे से अगर बाय होने वाला है, समझो बात को, नीचे से अगर बाय होने वाला है तो यहां पे जो स्विंग बनेंगे उस स्विंग के लो वाले पार्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक हमें लेने हैं, ना कि हाई वाले। रूल याद रखना, रूल सबसे इंपॉर्टेंट है, लोग बेसिक्स भूल जाते हैं और वहीं पे वो मिस्टेक करते हैं, राइट। प्राइस जो है डाउन साइड जा रहा है तो इस केस में ये वाले ऑर्डर ब्लॉक लेने हैं, स्विंग के लो वाले, ना कि स्विंग के हाई वाले, क्योंकि हमें नीचे से बाय करना है। तो प्राइस इस तरीके से वर्क करेगा, इसको टैप करके अपसाइड जाएगा, इसको टैप करके अपसाइड जाएगा, राइट। ये नीचे से जब बाय होने वाला है तब ये रूल अप्लाई होता है। सेम चीज अगर इसमें आप देखो तो यहां पर एक 30 मिनट का POI है, इसके अंदर स्विंग के हाई वाले ऑर्डर ब्लॉक लेने, इसमें स्विंग के लो वाले, इसमें स्विंग के हाई वाले। अगर आप यहां पर ध्यान से समझोगे तो प्राइस जो है धीरे धीरे ऊपर जा रहा है डाउन, ऊपर जा रहा है डाउन, राइट। तो ये इसमें स्विंग के हाई लेने हैं क्योंकि प्राइस यहां से सडनली डाउन होने वाला है, राइट। तो जब प्राइस ऊपर से सेल होने वाला है तो लेफ्ट साइड के जो स्विंग है उसके हाई वाले ऑर्डर ब्लॉक लेने हैं, इसमें लो वाले नहीं लेने, डाउन वाले में लो वाले लेने हैं, हाई वाले में हाई वाले लेने हैं। सिंपल, एकदम इजी वे में अगर मैं आपको बताऊं तो हाई वाले में जो है लेफ्ट साइड में जो हाई वाले में हाई वाले ऑर्डर ब्लॉक लो, ये हाई वाले, एंड डाउन ट्रेंड में लो वाले ऑर्डर ब्लॉक, लो वाले ऑर्डर ब्लॉक, एंड इसी को फिर टैप करके प्राइस अपसाइड में जाएगा। आई होप आप रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक को समझ गए हो कि रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, किस तरीके से ये वर्क करता है, राइट। नाउ हम इसे चार्ट में समझते हैं। उससे पहले मैं एक बार और बता देता हूँ, प्राइस जो है पहले यहाँ टैप करेगा, फिर मार्केट में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा, राइट। बिकॉज यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट होगा, एक बड़ी बाइंग आएगी, FVG ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह बनेंगे, एंड ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके प्राइस अपसाइड जाएगा। फिर अगेन ऊपर गया, इसके अबाव पे बॉडी क्लोज होना जरूरी है, फिर डाउन आएगा, फिर सेकेंड स्विंग वाला ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा, फिर अब जाएगा, डाउन आएगा और यहाँ पे जो कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा उसको टैप करके वर्क करेगा, राइट। इसे रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक बोला जाता है, राइट। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ प्राइस अगर इस तरीके से हो रहा है तो यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक बने हैं हाई पे, प्राइस डाउन गया, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, पहले मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया डिस्प्लेसमेंट होके, फिर ऊपर गया, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक को डाउन, अगेन इस स्विंग के नीचे इसने क्लोजिंग दी, ऊपर जाएगा, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, डाउन, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि क्या क्या रूल इसके अंदर होते हैं, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक किसे बोला जाता है, एंड इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। नाउ मैं आपको चार्ट में एक बार सही तरीके से एक्चुअल में मार्क करके बता देता हूँ, जिससे आप और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। देखो मेरे बोलने में थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा होगा क्योंकि मैं कंटिन्यू बोलते हुए जा रहा हूँ। आप ऐसा नहीं है कि मैं लाइक 10 मिनट का बोला कट कर दिया, 2 मिनट का बोला कट कर दिया, 5 मिनट का बोला कट कर दिया एंड मैं उसको एडिट करता हूँ। मैं ऐसा नहीं करता, मैं नॉन स्टॉप बोलते रहता हूँ, राइट। अगर आपका 1.5 घंटे का मेरा अगर कोई लेक्चर है तो उसमें जस्ट मैं 2 या 1 कट ही लगाता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 जाते हैं, राइट। मैं कंटिन्यू बोलते जाता हूँ बिकॉज मैंने बहुत सारे लेक्चर सालों से लिए हुए, राइट, एंड मैं कंटिन्यू एवरी मंथ स्टूडेंट को लर्न करवाता हूँ, दैट्स वाई मेरे बोलने की हैबिट है। बट आज कुछ ज़्यादा हो चुकी है, राइट, क्योंकि मॉर्निंग में भी लेक्चर्स थे एंड मैं अभी जस्ट लेक्चर बना रहा हूँ इसको नॉन स्टॉप, राइट। ऐसा नहीं है कि मैं इसको 1 वीक पहले से या 2 वीक पहले से बना रहा था, नहीं, ऑलरेडी मैंने आपको जैसे बताया कि मैं मेरे लाइफ में बिजी हूँ, तो मुझे टाइम जस्ट आज ही मिला सैटरडे को, और मैं सैटरडे को बना रहा हूँ कंटिन्यू, 3 घंटे से मैं इसको बना रहा हूँ, राइट। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो, अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, बट मेरी जो मेन प्रायोरिटी है वो आपको समझाना है। मेरा मेन प्रायोरिटी ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट आपको बता दूं, देखो ये मिटिगेशन ब्लॉक है, ये रिजेक्शन ब्लॉक है, रिक्लेम ब्लॉक है, चलो जाओ, राइट, या देखो ये एग्जांपल रहा। एक्चुअली ये वर्क कहाँ करेगा, क्या लॉजिक है, क्या रूल है, सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो, मेरी फीलिंग को समझ पा रहे हो, मैं वाकई में एग्रेसिव हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए, राइट। तो आई होप आप इसे समझो और आप इसे सीखो, ठीक है। नाउ हम चार्ट पे जाते हैं और चार्ट में समझते हैं कि रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। अभी हम बैंक निफ्टी के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हैं और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करेंगे कि रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक दिखता किस तरीके से है और हम उसके अंदर किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं।
अगर आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देखोगे तो स्ट्रक्चर अप ट्रेंड का है, एंड अगर यहाँ पर आप देखोगे तो हायर हाई राइट, एंड ये उसका आईडीएम हुआ। एंड जब आप इसके स्ट्रक्चर को देखोगे तो एक्सट्रीम वाला पीयूआई यहाँ पर है, इसके बिलो ना कोई पीयूआईस है और जितने भी पीयूआईस थे सारे फिल हो चुके हैं, जस्ट यही एक बचा है जिसके अंदर एफपीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक है राइट। तो हम ये पीयूआई को लेते हैं। अब जब प्राइस जो है डाउन आकर इस पीयूआई को टैप कर रहा है राइट, तब यहां पर क्या हो रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ओके यहां पे हो रहा है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एमएसएस। नाउ जब आप इसे समझोगे रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक इसके अंदर समझोगे डेप्थ में, अगर मैं इसे थोड़ा जूम करके मार्क करूं, नाउ आप यहां पर देखो प्राइस जो है इस तरीके से कर्व में डाउन साइड आ रहा था राइट। अगर मैं आपको मार्क करके बताऊं, देखो इस तरीके से डाउन साइड आ रहा था राइट, एंड सडनली एक डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्यों, क्योंकि पीओआई आ गया था राइट। तो इस जगहों पर इन्हें यूज करना है, पीओआई आ गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, एंड ये सारे रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक मैं सारे के सारे मार्क करके आपको बताऊंगा राइट, बट जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये वर्क करता है राइट। नाउ यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, अगर आप यहाँ पर प्राइस एक्शन देखोगे तो ये अप जाने में डायरेक्टली अप चला गया, बट जब ये डाउन आ रहा था तो इसने क्या किया, इस पूरे पार्ट में लिक्विडिटी क्रिएट की, पूरे के पूरे पार्ट में लिक्विडिटी क्रिएट की, एंड पहले सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे ले ली, एंड देन बाय साइड लिक्विडिटी हंट, एंड फिर प्राइस डाउन। ये मैं आपको लिक्विडिटी पुल में समझाऊंगा कि लिक्विडिटी पुल क्या होता है राइट, लिक्विडिटी रन क्या होता है, सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा, बट जस्ट अभी एक समरी आपको दे रहा हूँ कि ये किस तरीके से यहाँ पे हो रहा है राइट। प्राइस मैं जस्ट ये बिग प्लेयर्स जो है लिक्विडिटी क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को ट्रैप कर रहे हैं, मोमेंटम अगर आप देखोगे तो स्लो है, रेंज लंबा कट नहीं रहा है राइट, एंड सडनली यहाँ पर प्राइस होता है डाउन एंड लोग इसमें ट्रैप होते हैं एंड सडनली प्राइस अपसाइड, ठीक है। तो एग्जैक्ट यहाँ पर सारे ऑर्डर इनके फेल हो गए एंड प्राइस अपसाइड चला गया राइट। नाउ हम रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते हैं, देखो पहला मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। नाउ अगर आप यहां पर देखोगे ये कर्व है राइट, तो इसके अंदर का हम पहले रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक को लेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था नीचे से बाय आने वाला है, तो ये स्विंग के लो वाले कैंडल आप लो राइट, एंड आप इसको मार्क करो राइट, ओके ये वाला पहला जो ब्लॉक हमने लिया, प्राइस डाउन आया, इसको टैप किया एंड अपसाइड, ये पहला ट्रेड स्टॉप लॉस, एंड जो टारगेट रहेगा वो आपकी ये जो लिक्विडिटी है एंड यहां पर जो एफपीजी है यहां तक रहेगा, तो मैं ये लिक्विडिटी को टारगेट रखता हूं, हमने इसे टारगेट रखा। नाउ अगर आप यहां पे देखोगे पहला ट्रेड जो हमने इधर प्लान किया, नाउ सेकंड जो है प्राइस पहले इसके अबव बॉडी क्लोज करे, तो बॉडी कहां पे क्लोज हुई, इस जगह पे यहाँ पे राइट, एंड फिर प्राइस डाउन आ रहा है इस जगह पे राइट। नाउ अगर रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक देखो तो कहां पर है, इसके बाद रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक आया, ये स्विंग का ये वाला ब्लॉक, अब इसके अंदर वीक जो है 50% से ज्यादा है तो इसकी वीक हम लेंगे एज अ रिजेक्शन ब्लॉक राइट। एंड अगर आप देखोगे कि एक्चुअल में रिजेक्शन ब्लॉक वर्क कैसे करता है, ये वीक का 50% पार्ट राइट, एंड हमने इसको लिया, ओके ये हमारा सेकंड ट्रेड बना इन रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक टॉप लॉस, एंड जो हमारा टारगेट रहेगा वो सेम, ओके एंड जो थर्ड ट्रेड बन रहा है उसको आप समझो, इसके बाद जो ब्लॉक है वो यहां पर है राइट, एंड अगर आप ये स्विंग लेना चाहते हो जो पूरा एडवांस स्विंग है, तो अगर आप ये स्विंग को लेना चाहते हो तो वो भी आप रख सकते हो इस तरीके से, एंड प्राइस जो है इसको टैप करके अपसाइड में जाता है राइट। इस जगह पे जो है आप ऑर्डर जो है प्लेस करो, एंड जो स्टॉप लॉस है इसके बिलो, एंड जस्ट 2 मिनट, ये आपका थर्ड ट्रेड एंड यहां तक जा रहा है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड प्राइस ने यहाँ पे टैप किया एंड अपसाइड गया राइट। नाउ जितने भी रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक थे मैंने सारे आपको समझा दिया, अगर लास्ट एक और देखना है ये वाला तो वो भी आप देख लो राइट, प्राइस इसको टैप कर रहा है, स्वीप किया एंड अपसाइड,
थोड़ा इसको इस तरीके से कर देता हूँ, ओके इसको मिटा। हाँ ये आपका लास्ट रिक्लेम ब्लॉक हुआ एंड जो भी प्राइस जहां तक जाना था वो चला गया, राइट। एग्जैक्ट पूरा मार्केट मेकर बाय मॉडल एंड सेल मॉडल मैंने आपके सामने बता दिया कि किस तरीके से होता है। टोटल चार ट्रेड थे, फर्स्ट सेकंड यहाँ पे एक थर्ड एंड ये फोर्थ, राइट। आई होप आपको ये जो रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक है वो कंसेप्ट समझ में आया हो कि किस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद ये लास्ट सेलिंग जो कैंडल है, अगर नीचे से बाय होने वाली है तो लास्ट सेलिंग कैंडल, और अगर ऊपर से सेल होने वाला है तो ये जो लास्ट बाइंग कैंडल है जिसको ये टैप करके गिर रहा है, राइट। ये जो लास्ट बाइंग कैंडल है, राइट, या यहाँ पर जो लास्ट बाइंग कैंडल है ये वाले जिसको ये टैप करके प्राइस डाउन साइड में गिर रहा है, राइट। तो अगर ऊपर से गिरावट आने वाली है तो लेफ्ट साइड में बाइंग कैंडल, और अगर नीचे से बाइंग आने वाली है तो लेफ्ट साइड में डाउन साइड स्विंग की सेलिंग कैंडल, राइट, लो वाली। आई होप आपको रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक समझ में आया हो। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं ये सारे ब्लॉक्स आपको समझा पाऊँ और बेहतर तरीके से इन डेप्थ और कंप्लीट लॉजिक के साथ, कंप्लीट रीजन के साथ, एंड ये कहाँ पर वर्क करते हैं, सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए सॉरी, एंड आप अपना बेस्ट दो। और जैसे मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे याद से डाउनलोड करो, उसके अंदर सारी पीडीएफ पड़ी हुई है, राइट। ये लेक्चर की पीडीएफ भी मैं अपलोड कर देता हूँ, एंड जितना हो सके इस वीडियो को लोगों के पास शेयर करो एंड लाइक करो, राइट, जिससे लोग इसे जान पाए, एक्चुअल जो नॉलेज है उसे समझ पाए। लोग जस्ट अभी भी इंडिकेटर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन वगैरह पे फंसे हुए हैं। लोग 20-25 हजार रुपये में जस्ट इंडिकेटर सीख रहे हैं, राइट, या बेफालतू के चार्ट पैटर्न सीख रहे हैं और उन्हें लूटा जा रहा है, बेसिक चीज़ें सिखाकर लूटा जा रहा है, राइट। तो हो सके तो अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करो, राइट, एंड खुद से भी लर्न करने की कोशिश करो। आप एंटरटेनमेंट के लिए अगर इसे देखोगे कि वाओ क्या नॉलेज थी, तो कोई मतलब नहीं है। आपको इसे चार्ट पे देखना होगा, राइट, हर एक चीज इंप्लीमेंट करनी होगी। और दूसरी चीज, अगर कोई चीज फेल हो रही है, राइट, कुछ चीजों का आंसर नहीं मिल रहा है या कुछ ट्रेड नहीं बन रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि चार्ट में हो क्या रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे एंट्री नहीं बनती है या वहां पर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। हर चीज का सॉल्यूशन है, हर चीज का आंसर है। अगर मैं आपको एक सिंपल वे में बताऊं तो आज से 50 साल पहले कौन जानता था कि मोबाइल बनेगा या इस तरीके से सारी चीजें बनेगी, इलेक्ट्रिक कार्स बनेगी या ये सारी चीजें बनेगी, राइट। बट वो नहीं जानते थे, उस टाइम पर थी नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि ये बनाना इम्पॉसिबल था? नहीं, लैक ऑफ नॉलेज। जैसे जैसे नॉलेज आती गई वैसे वैसे वो लोग डेवलपमेंट करते गए, राइट। अगर उनके पास नॉलेज नहीं थी तब वो टाइम पे क्या था? इम्पॉसिबल। लाइक जब बिजली बनी भी नहीं थी, बल्ब वगैरह बने भी नहीं थे, तो क्या वो टाइम पे लोग जब चिमनी जला कर रखते थे या दिए जला के लोग रहते थे, ठीक है, तो वो टाइम पे बल्ब या बिजली बनी नहीं थी, तो क्या ये इम्पॉसिबल था? नहीं, पॉसिबल था, बट उनके लिए इम्पॉसिबल क्यों था? क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज। जैसे जैसे नॉलेज आती गई वैसे वैसे चीज़ें डेवलप होते गई, एंड वो जो धुंध होती है ना, रस्तों में धुंध होती है, वो हटती गई एंड क्लियर वे आपको दिखने लगा। अगर आपको क्लियर रास्ता देखना है तो आपको नॉलेज इम्प्रूव करनी पड़ेगी। आप किसी के सहारे बैठोगे या कोई चीज़ आपको कोई सिखाएगी, देन कोई मतलब नहीं है। आप जितनी नॉलेज गेन करोगे उतना रास्ता आपको क्लियर दिखेगा एंड आपके सामने इमेज क्लियर होगी, राइट। ये चीज़ें आप पहले नहीं जानते थे, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये था नहीं, ये था, बट आपके पास लैक ऑफ नॉलेज है, राइट, आपके पास नॉलेज थी नहीं। तो आपको नॉलेज गेन करनी है, हर चीज़ का आपको आंसर मिलेगा। कहीं पर अगर आप फेल हो रहे हो तो उसका भी कहीं ना कहीं एक रीज़न है, बस यही है कि आपको बताने वाला कोई नहीं है, राइट। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँ। सभी का शुक्रिया अभी तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।